<clears throat> okay guys, good morning everybody. Good morning, Sabiko. Good morning guys, Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम है बढ़िया जोरदार तूफानी ताबड़तोड़ छा रहे मचा रहे सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं कोई भी चीज की दिक्कत नहीं और सब एकदम तूफानी धुआ दौड़ तार से मचा रहे हैं तो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय श्री गणेश जय श्री राम पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय सीता माता की जय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए 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 तो अब क्या करते हैं आज की क्लास के साथ करते हैं शुरुआत किया जाए शुरुआत ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को सभी को सभी को चलो टुडे आई एम अटेंडिंग लाइव वेरी गुड बेटा लाइव अटेंड करना चाहिए इवन आप जब आप रेगुलर क्लास भी करोगे आगे तो लाइव अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उसका रीजन बताता हूं लाइव जब अटेंड करो ना उसका डिसिप्लिन आपका बहुत एक अलग मेंटेन होता है अब जैसे मैं आपको बोलू आपकी कैपेसिटी अभी सीए फाउंडेशन से आए हो तो पढ़ने की जो डेली है एक क्लास की दो घंटे के ऊपर की नहीं है यहां पे हम आपको तीन सवा तीन घंटे बिठा रहे हैं ये लाइव में अगर आप अटेंड करो तो फिर भी हम अटेंड कर पाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होती है लाइव में सर बिठाते खींच लेते हैं सर के साथ बातें होती रहती है और सारे बच्चे भी साथ में बैठे रहते हैं तो वो जोश बना रहता है बट ये अगर हम रिकॉर्डेड में जाए तो ख़ुद पे ये डिसिप्लिन बनाना कि नहीं सवा तीन घंटे की क्लास थी पूरा एक शॉट में सवा तीन घंटे में सवा तीन घंटे की क्लास ख़त्म करेंगे ये थोड़ा कठिन हो जाता है फिर उसमें हमारा पॉज हो जाता है क्योंकि फिर हमको बाथरूम ब्रेक लगती है हमको खाने पीने की ब्रेक लगती है फिर कोई रिश्तेदार घर पे आ गया उसकी ब्रेक लगती है फिर हमारी पीठ दुख रही तो उसकी ब्रेक लगती है तो सवा तीन घंटे की क्लास हमारी पाँच घंटे चले जाती है तो ये रिकॉर्डेड में जनरली डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा एक मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा सिंसेरिटी लगती है जितनी लाइफ में लगती है उससे टेन एक ज्यादा रिकॉर्डेड में लगती है सिंसेरिटी यस yes, तो रिकॉर्डेड हमेशा बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करने के लिए ये रिकॉर्डेड कब ज्यादा यूजफुल रहता है जब आप फास्ट ट्रैक वगैरह पढ़ते हो या कोई एक आद चैप्टर लाइव का पढ़ना है रिकॉर्डेड तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं बट फास्ट ट्रैक पढ़ते हो तो रिकॉर्डेड पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्पीड से आपको पढ़ना है ये yes, तो वो फास्ट ट्रैक वगैरह के टाइम पे रिकॉर्डेड इज गुड बट जब रेगुलर पढ़ रहे हो जब आप अपना एक रूटीन सेट कर रहे हो उस टाइम पे आपने लाइव ही करना चाहिए यस चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे क्लास के साथ ठीक है आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं ओके सभी लोग तैयार हैं सभी लोग तैयार सभी लोग तैयार आज की क्लास के साथ स्टार्ट करने के लिए ठीक है ओके चलिए तो टाइम टेबल वापस सभी को बता देता हूं टाइम टेबल हमारा सबसे पहले अकाउंटिंग का रहता है अकाउंटिंग की क्लास हमारी कब से कब तक रहेगी आठ से लेकर सवा ग्यारह तक रहेगी ठीक है एडवांस्ड अकाउंटिंग हमारा रहेगा इसके बाद क्या चीज है से लेके डेढ़ क्या रहेगा पेपर नंबर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हमारा दीपिका राठी मैम का रहेगा और इंद्रेश गांधी सर दोनों का रहेगा दोनों में से आपको जिनका देखना हो वो आपके पास ऑप्शन रहता है यू हैव टू चूज वन फिर उसके बाद ढाई से लेके साढ़े छह बजे तक पेपर नंबर थ्री इनकम टैक्स एंड जीएसटी ये हमारा कौन पढ़ाते हैं विवेक गाबा सर तो यस ये भी आपने तीनों क्लासेस कल कर ली है राइट right? आप डिसीजन जो भी लो आपको ज्वाइन करना हो आपको नहीं करना हो वॉट योर डिसीजन इज आपने ये चीज़ एक ठान लेनी चाहिए कि पहले जो फाइव डेज की क्लासेस हो रही है वो पूरी फाइव डेज की जो हम यूट्यूब पे डेमो ले रहे हैं पूरा का पूरा आपने हमारे साथ यहाँ पे करना है क्योंकि डेमो करने के आपको पैसे नहीं लग रहे हैं डेमो करने से केवल ज्ञान ही बढ़ रहा है तो डेमो से अगर केवल ज्ञान ही बढ़ रहा है तो क्यों ना करो और ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है जो ज्ञान पाया है हमेशा जीवन में काम ही आता है दूसरी चीज़ अगर आपने ठान लिया है कि हाँ हमको अल्टीमेट सीए के साथ ही पढ़ना है तो मैं आपको बोलूंगा रजिस्ट्रेशन फिर तुरंत के तुरंत करो क्यों रजिस्ट्रेशन तुरंत के तुरंत करो सर आपके पास पैसा आएगा आप पार्टी करोगे इसलिए ना नहीं बेटा पैसा ऑलरेडी बहुत आ चुका है पार्टी करने के लिए बहुत पैसा है वो मोटिवेशन नहीं है मेरा मोटिवेशन मेरा ये है कि आप लोग जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना जल्दी हमारे टीम के एंड से आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी आप अगर सोचोगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो करना ही चाहिए अल्टीमेट सीए के साथ पढ़ना ही है बट मैं फाइव डेज पूरे डेमो के वसूलने के बाद फिर मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा सिक्स डे से ऐप पे जब शिफ्ट होगा तब से तो बेटा अगर फाइव डेज आप पूरा पहले यहां पे यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं बट फिर आपको हमारी तरफ से रजिस्ट्रेशन करने पे जो मेल आएगा उसमें जो डिटेल्स दी रहेगी उसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपकी सिक्स्थ डे की क्लासेस मिस होगी आपको बुक्स उतनी ही लेट मिलेगी तो इफ यू हैव हैव डिसाइडेड कि यू टू स्टडी अल्टीमेट रजिस्टर ओके चलिए तो अब हम क्या करते हैं अब हम यहां पे करते हैं हमारी क्लासेस के साथ शुरुआत आज की क्लास में हमने क्या चीज करना है सर सबसे पहले हम करेंगे कल की क्लास का रिवीजन बिल्कुल सर कल की क्लास का एक बार हमें रिवीजन करवाओ सर कल की क्लास में आपने क्या क्या चीजें हमको पढ़ाई थी ओके करवा देता हूँ कोई बात है क्या तुम्हारे लिए हाँ मित्र मंडली तुम्हारे लिए कोई बात है क्या सर कल की क्लास में हमने फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के साथ स्टार्ट किया था बट उसके पहले आपने क्या चीज पढ़ाई थी उसके पहले आपने हमको ए एस थर्टीन की बात की थी ए एस थर्टीन कौन सी चीज की बात करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इस चीज की बात करता है मेरा ए एस थर्टीन बिल्कुल सही बात

टू अर्न इंटरेस्ट ट्रेंड डिविडेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन ये चारों में से कोई भी एक अगर आपका पर्पस है ये असेट को अक्वायर करने का तो हम इस असेट को क्या बोलेंगे वी विल इट एन इन्वेस्टमेंट ये असेट को हम नाम दे देंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब सर मैंने क्या किया मैंने कोई डिबेंचर किसी कंपनी का अक्वायर किया है किसी कंपनी के डिबेंचर में पैसे डाले मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसे डाले तो ये क्यों डाले मेरे को इंटरेस्ट अर्न करना है इसलिए तो ये डिबेंचर्स बॉन्ड्स मेरे लिए क्या हो जाएगा ये मेरे लिए हो जाएंगे मेरे इन्वेस्टमेंट्स फिर मैंने क्या किया सर मैंने एक ऐसे ही मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा था एक पेंट हाउस ले लिया पेंट हाउस ले लिया पच्चीसवें माले पे एकदम उससे पूरी सिटी दिखती और वहां पे मैंने क्या बोला मैं अपना पूरा पार्टी वाड़ी का एकदम वहां पे सेटअप करके रखूंगा मेरे दोस्तों को जब भी, भी पार्टी वाड़ी करना है हम जाएंगे पेंट हाउस और कोई काम नहीं है इन्वेस्टमेंट है पैसा पड़ा था डाल दिया अब लोग मेरे से वो ऐसे रेंट पे लेने लग गए पार्टी वार्टी करने के लिए कि भैया वन नाइट के लिए हमको दो हमको पूरा पार्टी वार्टी करना है एक लाख रुपए आपको देंगे आप यहाँ आप पे क्योंकि अब पूरा पार्टी का सेटअप है तो अब इससे मेरे को रेंट मिलने लग गया तो जो पेंट हाउस है वो पेंट हाउस मेरे लिए क्या हो जाएगा वो पेंट हाउस मेरे लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ये क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फिर मैंने आपको बोला मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट उसके बाद क्या है कैपिटल अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूं तो सर आपने क्या किया जमीन में पैसा डाल के रखा है और इसको बस पचास साल तक पड़े रहने दोगे तो ये क्या होगा कैपिटल अप्रिसिएशन होगा तो ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा अगेन ये क्या होगा मेरे लिए दिस विल अगेन बी एन इन्वेस्टमेंट अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बट मैं क्या करता हूँ मैं शेयर्स की ट्रेडिंग करता हूं तो ये जो शेयर्स है मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं रखा है ये मेरा बिजनेस है शेयर्स खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना तो ये जो शेयर है ये मेरे स्टॉक इन ट्रेड हो गए तो ये स्टॉक इन ट्रेड को क्या मैं इन्वेस्टमेंट मानूंगा क्या नहीं सर ये स्टॉक इन ट्रेड को मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूं यस सर ये आपने यहां पे डेफिनेशन बताई थी फिर आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर जो यहां पे कल लिखवाया था वो रेंट का था कि सर यहां पे रेंट

अब मैंने आपको असेट अक्वायर किया वो असेट से मैं रेंट कमा रहा हूं तो वो रेंट ए एस थर्टीन के अंडर कमा रहा हूं या एस टेन के अंडर कमा रहा हूं मतलब वो असेट को मैंने इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए या वो असेट को मैंने पीपी -पी मानना चाहिए तो बेटा इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यहां पर आपको ये चीज देखना है आप जो रेंट कमा रहे हो क्या वो रेंट कमाना आपका बिजनेस है जैसे मैंने बोला था मैं क्या करता हूं दस या बीस मैंने वो क्रेन बुलडोजर्स वो खरीद लिया है इसको रेंट पे दूंगा मैं सबको आवरली बेसिस पे कि आपको जरूरत है चलो एक घंटे का पांच हजार रुपए आवरली बेसिस पे मैं लोगों को ये रेंट पे देते रहूंगा तो ये मेरा बिजनेस है कि ये बुलडोजर्स को ये क्रेन को मैंने रेंट पे देना है तो ये जो रेंटल इनकम आ रही है ये कहां पे बात हो रही है ये मेरा बात हो रहा है ए एस टेन में कि ये जो आपने क्रेन बुलडोजर लिया है ये पीपीई है इसको ए एस टेन के अंडर ट्रीट करना बट सर आपने जो पेंट हाउस लिया वो पेंट हाउस तो ही ले लिया था उससे आपको रेंट आ रहा था थोड़ा बहुत तो ये जो पेंट हाउस था जिससे मेरे को रेंट आ रहा था ये क्या मेरा बिजनेस था नहीं तो ये पेंट हाउस को मैं मैं मानूंगा मानूंगा ये ये रेंट जिस से आ रहा है उस को मैं 13 के अंडर इन्वेस्टमेंट भी हमने क्या किया था कल की क्लास में पढ़ा था यस yes, सर ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था फिर सर आपने ये भी बताया था कि कोई एक असेट जैसे आपने बोला बिल्डिंग या फिर आपने बोला यहाँ पे अपार्टमेंट ठीक है बिल्डिंग बोलो अपार्टमेंट बोलो ये जो मेरा असेट होता है इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूं कितने प्रकार से तीन प्रकार से मैं इसको यहाँ पे क्लासिफाई कर सकता हूं ठीक है इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूं तीन प्रकार से पहला ये होता है करंट असेट दूसरा ये होता है पीपी और तीसरा ये होता है इन्वेस्टमेंट सर अगेन हमको काय पे ध्यान देना है इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं पर्पज क्या है मैंने आपको बोला जो बिल्डिंग है या फिर जो अपार्टमेंट है सर अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं तो ये बिल्डिंग बना के बेचना अपार्टमेंट बना के बेचना ये मेरे बिजनेस का डेली का काम है ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो यहां पे अपार्टमेंट मेरे लिए क्या हो जाएंगे अपार्टमेंट मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा वो क्लोजिंग स्टॉक को मैं करंट असेट मानूंगा और ए एस टू पे इन्वेंट्री की बात होती है उसके अनुसार इसका वैल्यूएशन होगा सर अगर ये जो अपार्टमेंट है ये अपार्टमेंट सर आपने अपने ऑफिस पर्पस के लिए लिया है यहां पे आप अपार्टमेंट में क्या करने वाले हो या बिल्डिंग में सर अपना ऑफिस चलाने वाले हो मतलब एडमिन पर्पस या फिर आप यहां पे कोई गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो यहां पे स्टूडियो सेटअप करके सर्विस देने वाले हो तो सर यह आपका पीपी हो जाएगा सर क्योंकि आप इसको बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस रेंटल टू अदर्स एडमिन पर्पज सर ये अपार्टमेंट आपके पास खाली ऐसे धन दौलत की कमी नहीं थी पैसों की कमी नहीं है ऐसा बोल के आपने ये अपार्टमेंट खरीद लिया बोले इतने पैसे कहां डालेंगे पैसे डालने के लिए भी एक जगह चाहिए तो आपने उसके लिए अपार्टमेंट ले लिया यस कैपिटल अप्रिसिएशन होते रहेंगे बोले तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा ये आपके लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए क्या हो जाएगा ये आपके लिए हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ये चीज सभी को क्लियर एवरीबडी क्लियर एवरीबडी क्लियर हंड्रेड क्लियर किसी को इसमें कोई भी डाउट किसी को इसमें कोई भी डाउट हंड्रेड परसेंट क्लियर है सभी को ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था फिर हमने बोला कि अब हम इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट में सर फिर आपने हमको पढ़ाए दो चीजें एक आपने पढ़ाए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे हम इंटरेस्ट कमाते इंटरेस्ट तो सर क्या होता है ये फिक्स्ड अर्निंग होता है ये फिक्सड इनकम होती है सर क्यों ये जो इंटरेस्ट होता है सर ये हमको मिलता ही मिलता है हर साल या तो क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा, सिक्स मंथली बेसिस पे मिलेगा, एनुअल बेसिस पे मिलेगा बट हर साल हमको मिलना ही है मतलब समझो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स लिए तो कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए वो फूले फले या फिर वो डूबे उसने मेरे को इंटरेस्ट देना ही है तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये फिक्स्ड इनकम वाला इन्वेस्टमेंट है जिससे उसको फिक्स्ड इनकम मिलते जाएगा तो ये आएगा फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज इसको नाम देते हैं ऐसी सिक्योरिटीज जिससे हम इंटरेस्ट कमाते हैं फिर आता है वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज ये दूसरा नाम मैंने दिया था जिसमें हम क्या कमाते हैं जिसमें हम वेरिएबल इनकम कमाते हैं जिसमें मैंने आपको शेयर्स का एग्जांपल दिया था जिसमें से कल हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे सर कल हमने स्टार्ट किए थे फिक्स्ड इनकम बैरिंग सिक्योरिटीज पढ़ना ठीक है फिक्स्ड इनकम बैरिंग सिक्योरिटीज पढ़ना स्टार्ट किए थे बेटा जो लोग अभी नोट्स वोट्स की बात कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो रिविजन ज्यादा जरूरी है आप ये नोट्स वोट नोट्स दे दो नोट्स दे दो नोट्स दे दो दे दूंगा कहीं नहीं जाएंगे बट जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो ठीक है फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज की जब मैं बात करता हूं तो इसमें मैंने बोला डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इसमें कल एक बच्चे का लास्ट में डाउट आया था डिबेंचर्स वर्सेस बॉन्ड्स का सर एक बेसिक डिफरेंस बता दो ठीक है ये मैंने कल लास्ट में बोला था कि बेटा अब ग्यारह बीस हो रहा है दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है मैं ये अब आगे डाउट्स लूंगा तो तुम लोग की ब्रेक चली जाएगी तो वो डाउट से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का एक बेसिक डिफरेंस जनरली क्या होता है कि डिबेंचर्स आपके सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं बॉन्ड्स आपके सिक्योर्ड ही होते हैं बॉन्ड्स के अगेंस्ट में एक कोलैटरल सिक्योरिटी दी जाती है मतलब डिबेंचर्स ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कर सकती है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कर सकती है बट बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड ओनली डिबेंचर्स का हमने सर ये भी सुना है कि डिबेंचर्स हमारे लिए क्या होते हैं डिबेंचर्स जनरली हमारे लिए कन्वर्टेबल होते हैं मतलब आज एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया अब ये कंपनी क्या बोलेगी पांच साल बाद हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे मतलब ये कन्वर्टेबल है में ऐसा जनरली फीचर नहीं होता है कन्वर्टेबिलिटी का ठीक है सर डिबेंचर्स में क्या चीज होती है डिबेंचर्स ना जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है शॉर्ट टर्म मतलब ऐसा छह आठ महीने की बात नहीं कर रहा बट कंपेरिटिव टू बॉन्ड्स बॉन्ड्स का जो पीरियड होता है डिबेंचर से जनरली ज्यादा लंबा होता है स yes, तो ये कुछ कुछ हमारे बेसिक डिफरेंसेज होते हैं डिबेंचर्स के बॉन्ड्स के अब जैसे मैं बोलू डिवेंचर्स कभी कभी अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड है तो इस पर रिस्क ज्यादा है ठीक है इसपे रिस्क ज्यादा है तो इसपे इंटरेस्ट रेट भी कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर का जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा उसको रिटर्न भी चाहिए

यस yes, ये चीज सभी को क्लियर जिसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स कल गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया था है ना तो गोल्ड बॉन्ड्स भी बहुत अच्छी चीज है यस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेफ है इस पे आपको ये बॉन्ड्स का आपका वैल्यू किसके अनुसार चलता है गोल्ड की जो वैल्यू है उसके अनुसार ये बॉन्ड की वैल्यू चलती है प्लस गवर्नमेंट इस पर क्या करती है आपको इंटरेस्ट भी देती है और ये इंटरेस्ट भी जो इस पे देती है वो भी टैक्स फ्री रहता है तो ये बहुत फायदे की चीज होती है बट ये देखो लो रिस्क है तो इस पर रिटर्न भी कम रहेगा आप अगर कोई हाई रिस्क पे जाओगे चीज तो उस पर रिटर्न भी आपका कंपेरेटिवली आपको हायर चाहिए ओके यस ठीक है okay? yes? राइट right? तो ये चीज हमारा हो गया डिबेंचर्स का और ये चीज हमारा हो गया बॉन्ड्स का एक बेसिक डिफरेंस जो आपने कल पूछा था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया अब सर जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं डिबेंचर्स की बात करते वक्त क्या है मैंने आपको कल इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाना चालू किया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि सर आप जब डिबेंचर्स को परचेज करते हो मैं जब अब डिबेंचर बोल रहा हूं मतलब मैं बॉन्ड की भी बात कर रहा हूं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दोनों चीज की बात कर रहा हूं तो जब मैं डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं डिबेंचर्स को परचेज करते टाइम मैंने आपको बोला था बेटा एक चीज हमने करना पड़ेगा यहाँ पे सर आपने क्या किया था 31 .5 .2020 को नौरा से आपने डिबेंचर्स परचेज किए थे बिल्कुल सही बात हमने नौरा से डिबेंचर्स परचेज किए थे फिर यहाँ पे तीस सितंबर को इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू था जो कंपनी जिसने इश्यू किया था उन्होंने बोला था कि साल में दो बार वो इंटरेस्ट देगी तीस सप्टेम्बर को इकतीस मार्च को तो कंपनी ने यहां पे बोला कि मैं पहला इंटरेस्ट कब दूंगी 30 सितंबर को और 30 सितंबर को मैं छह महीने का इंटरेस्ट दूंगी और किसको जो 30 सितंबर को डिबेंचर होल्डर होगा उसको पूरे छह महीने का मिलेगा तो मैंने 31 पांच को कितने डिबेंचर खरीदे थे दस हजार और ये दस हजार मैंने यहां तक पूरे होल्ड करके रखे थे तो ये दस हजार डिबेंचर पे पूरे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट किसको आएगा यहां से लेके यहां तक का फुल सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट किसको आएगा सर आपको तेजस को बट मैंने ये भी बोला था कि यहां पे नौरा को इफेक्टिवली दो महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हां सर क्योंकि वो क्या थी राइटफुल ओनर थी दो महीने के लिए तो वो जब यहां पे राइटफुल ओनर थी दो महीने के लिए तो इसमें क्या होगा नौरा को इफेक्टिवली दो महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए बट क्या उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे करने वाली है क्या नहीं सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे नहीं करेंगी तो सर क्या करना पड़ेगा जब यहां पे हम ये परचेज करेंगे ना नौरा से ये डिबेंचर्स जब हम यहां पे नौरा से ये डिबेंचर्स को परचेज करेंगे उसी दिन हम नौरा को क्या करेंगे टू मंथ्स का इंटरेस्ट भी पे कर देंगे टू मंथ्स का इंटरेस्ट उसको यहीं के यहीं पे कर देंगे हम नौरा को बोलेंगे कि यार देखो तुमको टू मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो हम जब आपसे आज खरीद रहे ना तो हम आपको टू मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे अब नौरा इसमें बोलेगी तेजस ये करने से क्या आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा मैं बोलूंगा नहीं नौरा एक बार मेरे पास यहां पे डिबेंचर्स आ गए फिर मैं यहां तक उसको होल्ड करके रखूंगा यहां पर रिलायंस मेरे को क्या देगी पूरे सिक्स मंथ्स का तो मेरे पास पूरे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट आगे जाके आ जाएगा जिसमें से मैं तुमको टू मंथ्स का स्टार्टिंग में ही परचेज के टाइम पर ही पे कर रहा हूं तो इफेक्टिवली मेरे पास कितना इंटरेस्ट मेरे हाथ में आ गया मेरे हाथ में जो है फोर मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया और मैंने भी कितने महीने के लिए अभी तक होल्ड किया है फोर मंथ्स के लिए इसको अभी तक होल्ड किया है यस 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 ठीक है तो यह चीज सभी को क्लियर हुई कि हमको सबसे पहली चीज क्या करनी है कॉन्सेप्ट नंबर वन ऑन परचेज ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट विल बी कंपल्सरीली पेड बाय द परचेजर परचेजर इस पे इंटरेस्ट पे करेगा एट द टाइम ऑफ परचेज और डिबेंचर्स किसको टू द प्रीवियस ओनर फॉर द पीरियड अक्रूड अभी तक जितना भी इंटरेस्ट का पीरियड अक्रूड है उतना सर अब हमको ना इसमें एक डाउट आ रहा है हमको इसमें ये डाउट आ रहा है कि सर आपने तो नौरा को बड़े बड़े दावे कर दिए आपने नौरा को क्या बोला आप अब सर प्यार मोहब्बत धोखा है पैसे कमा लो मौका है बट आपको क्या प्यार मोहब्बत ज्यादा चाहिए थी तो आपने यहाँ पे नौरा को क्या बोला कि नहीं नौरा तुम ये टू मंथ्स का इंटरेस्ट मुझसे आज ही ले लो जिस दिन मैं तुमसे परचेज कर रहा हूं आपने उसको बहुत ज्ञान दिया कि नौरा मैं इसको फोर मंथ्स तक होल्ड करके रखूंगा फिर यहाँ पे रिलायंस से मुझे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा सिक्स में से मैंने तुमको टू मंथ्स का दे दिया और मेरे को फिर इफेक्टिवली मेरी जेब में फोर मंथ्स का बच जाएगा अब क्या हुआ यहां पे सर आपने इकतीस पांच को खरीदा फिर आपने उसको यहां पे कब बेच दिया आपने इसको 31 आठ 2020 को ही बेच दिया देखो सर लग गई ना वाट आपने इसको 30 सितंबर तक होल्ड नहीं किया तो अब क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या आंसर इज नो सर देखो आपको तो रिलायंस से इंटरेस्ट मिला ही नहीं आपने नौरा को दो महीने का पे भी कर दिया लग गई वाट और बनो होशियार और करो प्यार मोहब्बत बेटा कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने यहाँ पे इसको पहले भी बेच दिया 31 अगस्त को ही अगर मैंने इसको बेच दिया है तो मुझे बताओ 31 अगस्त को अगर मैंने ये डिबेंचर्स को बेच दिया तो जब मैं इसको बेचूंगा तब मैं सामने वाले व्यक्ति से भी तो जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ था उतना लूंगा कि नहीं लूंगा यस सर आपने यहां पे खरीदा फिर आपने इसको कब बेचा इकतीस ऑगस्ट दो को मैंने इसको बेच दिया सोल्ड तो ये यहां पे मैंने जिस भी व्यक्ति को इसे बेचा है उससे मैं क्या करूंगा आज तक का जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ था वो पूरे पांच महीने का इंटरेस्ट में इससे ले लूंगा हाँ सर जिसमें से मैंने दो महीने का ऑलरेडी नौरा को पे किया था तो अब इफेक्टिवली मेरे पास कितना इंटरेस्ट बचा मुझे बताओ सर आपके पास इफेक्टिवली यहां पे थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट बचा है आपके पास इफेक्टिवली यहां पे थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट बचा है जो आपका एक्चुअल होल्डिंग था तो यहां पे कोई भी दिक्कत होगी क्या अगर सर परचेज करते टाइम ही हम साथ में इंटरेस्ट भी पे कर देते परचेज के साथ साथ हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते तो क्या यहां पे कोई भी दिक्कत है क्या हमारा क्या आगे कुछ भी नुकसान होने का स्कोप है क्या कोई स्कोप नहीं है कोई स्कोप नहीं है जब भी मैं बेचूंगा मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट रिकवर करके रहूंगा अगर यहां से लेके मैंने 30 सितंबर तक होल्ड किया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे को इंटरेस्ट दे देगी अगर मैंने उसके पहले बेच दिया तो ये जो नेक्स्ट परचेजर है जिसको मैंने सेल किया ठीक है तो ये सेल करने पर यह जो नेक्स्ट परचेजर है उससे मैं इंटरेस्ट ले लूंगा ठीक है ये चीज सभी को क्लियर ये चीज़ सभी को क्लियर ठीक है तो इंटरेस्ट तो मेरे को मिल जाएगा

यहां से लेके फिर सर मैंने 30 सितंबर तक तो इसको होल्ड किया तो यहां पे मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से इंटरेस्ट मिल चुका है मेरे को क्या हुआ है यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है कब तक का 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट मिल गया अब यहां तक की तो बात हो गई बट इसके बाद तक का इंटरेस्ट मेरे को मिला है क्या ये वाला इंटरेस्ट सर आपको अभी तक नहीं मिला है तो ये इतना इंटरेस्ट फर्स्ट अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर ये थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट आप किससे से लोंगे? राखी से आप राखी से लोंगे। सर इससे क्या क्या राखी राखी का कोई नुकसान होगा क्या? नहीं अब राखी ये को से लेके ईयर एंड तक होल्ड करेगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहां पे इंटरेस्ट किसको देगा राखी को कितने मंस का सर ये जो इंटरेस्ट रिलायंस राखी को देगा ये फुल सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट दिया जाएगा सिक्स मंथ्स में से राखी का तो पीरियड ऑफ होल्डिंग थ्री मंथ्स ही था तो राखी को थ्री मंथ्स का एक्स्ट्रा मिल रहा है जो वो मेरे को यहां पे जब मैं राखी को सेल करूंगा तब पे कर देंगी जब मैं यहां पे राखी को सेल करूंगा उसी टाइम पे वो मेरे को थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर देंगी मतलब सर हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट हुआ कि जब हम डिबेंचर्स को बेचते हैं हमने को क्या किया जब जब को को बेचा, उस को बेचा, उस उस पे क्या हुआ? बताओ, हमने पे हम कंपलसरीली इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हमने जिसको बेचा उससे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कि जित कितना करेंगे जितना पीरियड अभी तक अक्रू हुआ है उतना इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे एवरीबडी क्लियर विद एवरीबडी क्लियर जितना हमने यहाँ पे पीरियड अक्रू हुआ है उतना उससे रिकवर कर लेने का है ओके ये कल की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर टू भी मैंने आपको लिखाया था यस सर यह आपने कॉन्सेप्ट नंबर टू भी यहां पर लिखाया था अब चलो यहां तक सबको रिवाइज हुआ कल की क्लास का पूरा का पूरा रिवीजन हुआ सबका अच्छे से रिवीजन हुआ एकदम मचा के रिवीजन हुआ

फिक्स इनकम अर्न होने वाली हो मिलने वाली हो ऐसी कोई सिक्योरिटी जो आपको रिटर्न्स देता है इन द फॉर्म ऑफ फिक्सड इनकम ठीक है सर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस व्हाट इज दिस शॉर्ट एंड रील वेरिएबल पहले मैंने ये शब्द समझा दिया था ठीक है बाद में जब इस टॉपिक पे आएंगे वापस समझा देंगे मैंने ये वेरिएबल कल भी समझाया आज क्लास के सुबह में भी बोला एकदम स्टार्टिंग में ओके चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ड्राइव का जो हमारा नोट्स है ना वो नोट्स की लिंक को मेरी जो हैंड रिटर्न नोट्स है वो लिंक को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और उसके पहले एक और चीज़ है एक और चीज़ मेरे को एक और चीज़ चेक करने दो ओके okay, चलो अब मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक लिंक दे रहा हूँ जिससे आपको ये जो मेरे नोट्स है ना ये वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ठीक है सभी लोग ये लिंक को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना मैं इसको यहाँ पे पिन भी कर देता हूँ ठीक है आई विल जस्ट पिन द लिंक अल्टीमेट सी के आई से मुझे आने दो तो उनके आई से आ जाऊंगा अल्टीमेट सी के आई से तो मैं ये लिंक यहाँ पे पिन कर पाऊंगा और कल काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर वी आर नॉट एबल टू कमेंट ऑन इन द क्लास बेटा क्योंकि सब्सक्राइबर मोड ऑन है स्पैमिंग ना हो इसलिए सब्सक्राइबर मोड ऑन है तो इसलिए आप हो सकता है कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे तो अगर कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे तो जस्ट सब्सक्राइब और आपका कमेंट हो जाएगा कमेंट हो जाएगा क्लास नोट्स इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे क्लास नोट्स ठीक है यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट पे हमने सारे सब्जेक्ट्स के ग्रुप वन के तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स अपलोड करके रख दिए हैं यहाँ पे जाके सभी लोग नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है नोट्स यहाँ से सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले ये चीज हो गई दूसरा सर हमको एक और चीज चाहिए वो क्या चीज चाहिए हमको चाहिए सर आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपने कल बोला था वो भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ उसकी भी लिंक मैं बस कॉपी कर रहा हूँ उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एक मिनट दीजिएगा मुझे ये हैंड रिटर्न नोट्स की लिंक दे दी बच्चों ये ड्राइव की जो लिंक है ये भी सभी लोग सेव करके रख लो ठीक है दो लिंक दी है जो मैंने लिंक पिन की है उससे आपको मेरे ये वाले नोट्स मिल जाएंगे ठीक है ये वाले जो नोट्स है जो पूरी बुक के नोट्स है जो हमारे क्लास नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे और जो मैंने लिंक पिन नहीं की है जो आपको गूगल ड्राइव की दिख रही है वो गूगल ड्राइव की लिंक में आपको मेरे हैंड रिटर्न नोट्स की लिंक मिल जाएगी जो मैं क्या करता रहूंगा डेली डेली बेसिस पे उसको अपलोड करते रहूंगा हैंड रिटन नोट्स मेरा गूगल ड्राइव वाला है ठीक है, गूगल ड्राइव वाला ये ड्राइव अभी आपको ब्लैंक दिखेगी ये ड्राइव आपको पूरी की पूरी ब्लैंक दिखेगी ओके अभी ब्लैंक दिखेगी फिर उसमें नोट्स अपलोड हो जाएंगे ओके चलिए तो आप सभी लोग को मैं एक मिनट दे भी दिया कि सब लोग सारे नोट्स वोट्स डाउनलोड कर ले सर गलत लिंक है बेटा गलत लिंक नहीं है मैं अब भी जस्ट वही करके देखा कि वो लिंक चल रही है कि नहीं तो बराबर चल रही है बेटा लॉग इन करने के पहले अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो पहले उसमें नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आता है पहले खुद को रजिस्टर करो रजिस्टर करोगे तो लॉग इन होगा रजिस्टर करोगे तो लॉग इन होगा ठीक है ठीक है तो आप पहले वहां पे रजिस्टर करोगे तब जाके आपका लॉग इन होगा फिर जाके आपको यहाँ पे ये नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा अभी अभी आपको जरूरत नहीं है ये नोट्स की आप क्लास के बाद भी ये चीज कर सकते हो तो आफ्टर क्लास आप ये चीज ये नोट्स को वहां से डाउनलोड करना आपको सिंपल क्या करना है जो मैंने आपको लिंक दी है लिंक का नाम क्या है लिंक सबसे पहले क्लास नोट्स की जो मैंने आपको दी है दैट इज अल्टीमेट सी ए डॉट कॉम आप ये अगर देखते हो तो अल्टीमेट सी ए डॉट कॉम स्लैश फ्री रिसोर्स अल्टीमेट सी ए डॉट कॉम इसको सेव करके रख लो अल्टीमेट सी ए डॉट कॉम स्लैश फ्री डैश रिसोर्स और एक और शब्द है इसमें जो मैं भूल गया फ्री रिसोर्स नोट्स ये इसको सेव करके रख लो इससे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे और दूसरा मेरा क्या है हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी कमेंट में डाला था हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको कमेंट में डाला था ये कमेंट में आपको गूगल ड्राइव की लिंक है उसको भी सेव करके रख लो इसको भी सेव करके रख लो ठीक है अब सर ये जो हमको क्लास नोट्स है क्लास नोट्स अगर हमको इसका एक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले आप करोगे रजिस्ट्रेशन एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद आपको लॉग इन करना है तो लॉग इन करके फिर आपको दिख जाएगा लॉग इन और उसके बाद आपको फिर नोट्स एक्सेस मिल जाएगा एक्सेस टू नोट्स ठीक है तो ये चीज़ आप कर लेना शांति से क्लास के बाद क्लास के बाद अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे अभी आपको इसका काम नहीं है अभी आपको केवल क्लास में ध्यान देना है ओके मैंने आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी क्लास में ध्यान देना है ओके करे स्टार्ट करे स्टार्ट करे स्टार्ट ओके चलिए सर ऐप पे रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगा बेटा कौन सी चीज़ का रिकॉर्डिंग जो अभी पहले पांच क्लास यूट्यूब पे हो रही है वो तो उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर ही अवेलेबल है ठीक है तो उसका तो काम नहीं है अभी रिकॉर्डिंग का चलो अब यहां से अब हम बढ़ते हैं आगे ठीक है अब हम आते हैं पॉइंट नंबर थ्री पे सभी लोग अब लिखेंगे मेरे साथ सबका ध्यान मेरे को यहां पे चाहिए ठीक है सभी का ध्यान मेरे को यहां पे चाहिए ओके सबका ध्यान यहां पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब सिक्योर डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को कुछ सिक्योरिटी दी हो आज अगर मैं कंपनी हूं मैंने डिबेंचर इशू किए तो मैंने आपसे पैसा लिया है उसके बदले में मैंने आपको कुछ सिक्योरिटी दी है मैंने बोला ये लैंड ये बिल्डिंग ये एज सिक्योरिटी आप आपको मैं प्रोवाइड करता हूं कि अगर मैं डिबेंचर के पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं आपको ये जो सिक्योरिटी है मेरा असिट लैंड बिल्डिंग इससे मैं आपको पे कर दूंगा ये असेट के जो पैसे है इससे जो पैसे रियलाइज होंगे वो आपको जाएंगे दैट इज कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर ठीक है अब सभी का ध्यान यहां पे सभी का ध्यान यहां पे कोई भी कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा अब देखो यहां पर मैं आपको कहता हूं कि पॉइंट नंबर थ्री में क्या है ये यहां पे मैं बात करता हूं परचेज ऑफ डिबेंचर्स परचेज ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे सभी लोग मेरे साथ कोई भी ये पूछेगा नहीं बाद में कि सर लिखना था कि नहीं एट कम इंटरेस्ट प्राइस एट कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस अब सर ये क्या चीज है ठीक है सर अब देखो यहां पे क्या चीज है सर आपने हमको अभी तक क्या बताया पॉइंट नंबर वन जो आपने कल की क्लास में पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे इंटरेस्ट विल बी कंपल्सरीली पेड यहां पे हम लिखते नोट या फिर रिमेंबर रिमेंबर इंटरेस्ट विल बी कंपल्सरीली पेड इंटरेस्ट विल बी कंपल्सरीली पेड Along with along with purchase of debentures. Interest will be compulsorily paid along with purchase of debentures. अब ये आपने पॉइंट दिमाग में रखना है क्योंकि ये पॉइंट के आधार पे मैं आगे वाला एक पॉइंट बता रहा हूं सर क्या पॉइंट बता रहे हो तो सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे सर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर मेरा यहां पे आता है वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी से थर्टी वन थ्री ट्वेंटी वन ठीक है जिसमें मैंने क्या किया है यहां पे थर्टी वन फाइव को इकतीस पांच दो हजार बीस को मैंने परचेज किया था परचेज किया था कितने डिबेंचर पर टेन आप परचेज करते हो तो साथ ही साथ आपने क्या करना है कंपल्सरीली इंटरेस्ट भी पे करना है कितना जितना पीरियड अक्रू हुआ था अब रिलायंस बोलती है कि भैया मेरे डिबेंचर्स पे मैं इंटरेस्ट साल में दो बार दूंगी और उसकी डेट्स क्या रहेगी एक सितंबर थर्टी यहां पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगी और दूसरा इंटरेस्ट मैं पे करूंगी ईयर एंड मार्च पे तो छ महीने में मैं दो बार इंटरेस्ट पे करूंगी तो सर आपने बताया कि जब आप डिबेंचर्स को परचेज करोगे तब क्या चीज करनी है जब आप डिबेंचर्स को परचेज करोगे उस टाइम पे सर आपने जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट द डेट ऑफ अपर्चेज आप उतना इंटरेस्ट पे करोगे सर आपने क्या बोले जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट अंटिल द डेट ऑफ परचेज उतना इंटरेस्ट सर लास्ट इंटरेस्ट डेट मतलब सर यहां पे देखो रिलायंस बोलती हो साल में दो बार इंटरेस्ट पे करती है तीस सितंबर और इकतीस मार्च मतलब सर आज अगर मैंने इकतीस पांच को ये डिबेंचर्स खरीदे तो इसके पहले रिलायंस ने कब इंटरेस्ट पे किया होगा यहां पे सर यहां पे इकतीस तीन को ही उन्होंने इंटरेस्ट पे किया होगा तो सर अब इंटरेस्ट अक्रू कहां से हो रहा है यहां तक का तो इंटरेस्ट सबको मिल गया है अब जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो एक चार से हो रहा है तो अभी टू मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट अप अंटिल द डेट ऑफ परचेज इतना इंटरेस्ट हमने पे करना था अब यहां पे देखो सर क्या हुआ था आपने नौरा का एग्जाम्पल लिया था जिसमें आपने बताया कि आप नौरा का भला कर रहे थे यहां पे क्योंकि आप नौरा के साथ बुरा नहीं होने दे सकते आप नौरा का कैसे भला कर रहे थे आप जब नौरा से डिबेंचर्स परचेस कर रहे थे तब आप नौरा को साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे सर आप क्या कर रहे थे नौरा को इंटरेस्ट दे रहे थे कितने मंथ्स का टू मंथ्स का क्योंकि यहां पर रिलायंस जब सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट देगा कब पूरे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट किसको जाएगा सर आपको जाएगा नौरा को जाएगा क्या नौरा को ये सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं जा रहा है तो सर अब यहां पे हमने क्या करना है अब हमने यहां पे क्या करना है यहां पे अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मैंने नौरा को यहां पे ये टू मंथ का इंटरेस्ट पे किया ना मैंने नौरा को बोला आपको टू मंथ्स का इंटरेस्ट मैं दूंगा रिलायंस भले ही ना दे पर तेजस जिंदा है टाइगर जिंदा है तेजस जिंदा है तेजस आपको यहां पे टू मंथ्स का इंटरेस्ट खुद से देगा तो नौरा एकदम खुश हो गई कि अरे बाप रे कितना भला इंसान है तो भगवान का आदमी है बोले इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी किसकी थी कंपनी की थी कंपनी नहीं दे रही तेजस दे रहा है मेरे को इंटरेस्ट ये तो भगवान का आदमी है ये कौन है ये तो भला आदमी है इससे इससे बेहतर कोई कोई आदमी आदमी नहीं देखा मैंने जीवन में बढ़िया क्या कोई है पूरे जीवन में नहीं 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 बेस्ट आदमी एवर तो अब जब नौरा ने ऐसा बोला बेस्ट आदमी एवर तो मैंने बोला नहीं नहीं नौरा मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दे सकता भले मैं सीए हूं मुझे सब फाइनेंस समझता है और तुमको नहीं समझता है क्योंकि तुम सीए नहीं हो तुम एक परफॉर्मर हो तुम डांस करती हो तुम गाना गाती हो तुम परफॉर्मर हो पर मैं तुम्हारे साथ गलत होने दे सकता हूं क्या नहीं क्यों क्योंकि नौरा तुम मुझे तहे दिल से पसंद करती हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकता तो अब नौरा की आंखों में आंसू आ गई है के कि यार ये तो सही में बहुत अच्छा आदमी है उसके आंखों में आंसू आ गए मैंने नौरा को बोला देखो 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 नौरा अब मैं क्या करने वाला हूं मैं तुमको डिबेंचर के लिए दूंगा एक सौ दो रुपए एक डिबेंचर के लिए एक सौ दो रुपए दूंगा और मैं तुमको इंटरेस्ट का अलग से दूंगा नौरा ने बोला तेजस रुको 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 अब मैं क्या मान रही हूं यहां पे? तुमने मेरे लिए इतना किया ना तो अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की नौरा ने बोला तेजस देखो 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 तुम जो मुझे एक सौ दो रुपए दे रहे हो ना अब मैं ऐसा मान लेती हूं कि इसमें आपने मेरे को इंटरेस्ट भी पे कर दिया बोले तेजस ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझे बताया कि दो महीने का इंटरेस्ट मुझे कंपनी से नहीं मिलेगा और ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे रहे कि रहे दो महीने का इंटरेस्ट दोगे बोले बस तुमने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है मुझे खाली अच्छे लोगों की जरूरत है जीवन में और तुम सामने से इंटरेस्ट दे रहे थे इससे ज्यादा क्या चाहिए बोले अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी जो मैंने तुमको हंड्रेड एंड टू रुपीज एक डिबेंचर का कोट किया था वो 102 में अब मैं मान लूंगी कि डिबेंचर के लिए भी तुमने पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट के लिए भी पेमेंट कर दिया मतलब मैं हंड्रेड एंड टू रुपीज को यहां पर क्या मानूंगी कि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है डिबेंचर्स का सर कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब क्या होता है कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस होता है जिसमें डिबेंचर्स का भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है और उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है जिसमें क्या होता है डिबेंचर्स का भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है और उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है मतलब सर आप यहां पे क्या कहना चाह रहे हो कि जब मैं एज एन इन्वेस्टर किसी से डिबेंचर खरीदता हूं अब वो मुझे हंड्रेड एक सौ एक सौ दो एक सौ तीन एक सो चार एक सौ पांच कितने में भी दे अगर वो नाइनटी नाइन से लेके एक सौ पांच तक मैंने जो भी भाव बोला अगर वो भाव के आगे लगा देता है कि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है ये क्या है दिस इज द कम इंटरेस्ट प्राइस तो मैं क्या समझूंगा मैं समझूंगा कि वो जो कम इंटरेस्ट प्राइस है उसमें दो चीजों का प्राइस इंक्लूडेड है एक तो डिबेंचर का कॉस्ट और दूसरी चीज क्या इंक्लूडेड है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है यह चीज सभी के दिमाग में गई मैंने आपको क्या बोला मैं जब भी डिबेंचर्स खरीदने जा रहा हूं डिबेंचर्स खरीद रहा हूं और सामने वाला जो है उसने मेरे को जो प्राइस दिया डिबेंचर का उसके आगे उसने लगाया कम इंटरेस्ट मतलब मुझे क्या समझना है कि ये जो डिबेंचर्स का प्राइस है इसमें डिबेंचर्स का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और इसमें उसने इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया है ऑलरेडी यस yes, तो इसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट द कम इंटरेस्ट प्राइस इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है इसी प्राइस में सर तो आप ये कैसे पता करोगे कि ये जो एक रुपए वो आपको चार्ज कर रहा है उसमें डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना है और फिर उसमें इंटरेस्ट कितना है अब आपको यह कैसे पता लगेगा यह हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे ये हम क्या कर लेंगे कैलकुलेशन से निकाल लेंगे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं तो अब देखो ये कैसे निकालता हूं मैं सर सबसे पहले अब देखो ये 102 में क्या है डिबेंचर्स का कॉस्ट भी है और 102 में क्या है इंटरेस्ट भी है तो मैं इसमें से सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें कितना है सबसे पहले हमने यहां पर यह चीज कैलकुलेट करना है कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सर इंटरेस्ट कितना रहेगा बताइए इंटरेस्ट सर दो महीने का रहेगा कब से कब तक का पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ परचेज तक पिछली इंटरेस्ट डेट क्या थी 31, 3 को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वहां से लेके आज तक मतलब टू मंथ्स का ये yes. कितने डिबेंचर्स पे सर देखो आपने टेन थाउजेंड डिवेंचर परचेज किए थे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे हर एक की फेस वैल्यू है सो सर सौ कहा दिया है हमने अज्यूम किया है उसपे सर कितने परसेंट से 12 परसेंट ये भी मैंने अज्यूम किया है और कितने महीने का सर दो महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा तो ये एक लाख पे 12 परसेंट बारह हजार डिवाइडेड बाय जाएगा मेरा एक लाख नहीं कितना होता है दस लाख दस लाख पे बारह परसेंट एक लाख बीस हजार एक लाख बीस डिवाइडेड बाय छजार रुपए का इंटरेस्ट सर देखो आप इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा दे रहे हो बीस हजार ये जो एक सौ दो में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूडेड है वो कितना हो जाएगा बीस हजार रुपए सर एक सौ दो में बीस हजार अरे बेटा एक दो क्या है एक डिबेंचर का है मैं यहां पे सारे डिबेंचर्स का मिला के निकाला सर तो अब ये बता दो ना सारे डिबेंचर्स का टोटल कॉस्ट कितना था तो अब देखो मैं यहां पर आपको बोलता हूं पॉइंट नंबर वन टोटल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स टोटल कॉस्ट जब लिखता हूं उसको ब्रैकेट में लिखता हूं इसको क्या बोलता हूं कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना था कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ये कितना था सर हमने टेन थाउजेंड डिबेंचर्स खरीदे कितने में एक सौ दो में खरीदे तो ये कितना हो गया वन ज़ीरो टू फ जिसमें से सर अभी आपने निकाला इंटरेस्ट कितना है तो इसमें से लेस करता हूं लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट सर जो आपने यहां पे निकाले वो कितना आ गया दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटरेस्ट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड का हमारा इंटरेस्ट है तो सर अब मेरे पास ये टोटल कॉस्ट में से इंटरेस्ट हटा दिया तो केवल डिबेंचर्स का कॉस्ट बचा यस yes, सर ओनली डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना बचा ये बचा है सर मेरे पास टेन लाख रुपीज मतलब सर अब देखो अब देखो मैं यहां पे डिबेंचर्स के लिए कितना पे कर रहा हूं सर आप यहां पे जो डिबेंचर्स के लिए पे कर रहे हो वो है दस लाख और यहां पे आप जो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हो वो है ट्वेंटी थाउजेंड ये दोनों को मिला के इसने आपको कितना बोला वन जीरो टू पर डिबेंचर आपने पे करना है मतलब इसमें डिबेंचर का कॉस्ट भी इंक्लूसिव है और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूसिव है डिबेंचर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड सभी को क्लियर यस 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 ये चीज सभी को क्लियर हंड्रेड परसेंट क्लियर विद ऑल ऑफ यू हंड्रेड परसेंट क्लियर किसी को यहां पे कोई भी डाउट एनी बडी है बताएंगे मुझे सभी लोग बताएंगे सभी के दिमाग में बात गई सर ये जो दस लाख रुपए है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम यहां पे बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इसको क्या बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट निकाल के एक्सक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कॉस्ट निकाल दो तो फिर जो डिबेंचर का कॉस्ट बचा वो कितना है वो है दस लाख रुपए ओके okay. एवरीबडी क्लियर विद एवरीबडी क्लियर विद यहां पे मैंने क्या बोला सर आपने बोला कि अगर आप जिससे कर रहे हो उसने आपको प्राइस क्या क्या किया है? 102 का प्राइस किया किया? का का। उसने उसने आपको क्या प्राइस किया? 102 का. 102 उसने बोल दिया कम इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूसिव हमने यहां पर एक शब्द पढ़ा है बचपन में क्यूम्यूलेटिव ये चीज पढ़ा है? आपने क्यूम्यूलेटिव यस सर क्यूम करके शब्द पढ़ा है क्यूम मतलब क्या एड करने के बाद सारी सारी चीजें ऐड कर दो तो वो क्यूमुलेटिव आ जाता है आपके पास यहां पे क्यूमुलेटिव मतलब डिबेंचर्स का कॉस्ट और इंटरेस्ट का कॉस्ट दोनों मिला के दोनों मिला के तो इन्होंने जो डिबेंचर का कॉस्ट दिया 102 और ये कम इंटरेस्ट इन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट बोला है मतलब इसमें दो चीज आ रही है डिबेंचर का कॉस्ट भी इंटरेस्ट भी मुझे इसमें निकालना है कि भैया अब डिबेंचर का कॉस्ट कितना है

तो इंटरेस्ट आप इस पर कितना पे कर रहे हो इंटरेस्ट जो मेरा यहां पर आ रहा है दैट इज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं यहां पर भी लिख देता हूं टेन थाउजेंड डिबेंचर्स पे सौ के हिसाब से बारह परसेंट के दो महीने का इंटरेस्ट आपका बीस हजार आ जाएगा आपका बीस हजार आ जाएगा तो अब मेरे पास क्या आ गया टोटल कॉस्ट में से इंटरेस्ट का कॉस्ट हटाया तो केवल डिबेंचर्स का कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट

सर ऐसे तो सेलर को लॉस हो रहा है ना बेटा सेलर को यहां पे जब वो 102 कम इंटरेस्ट बोलता है ना तो वो तभी ये प्राइस कोट करता है जब ऐसे सिचुएशन में उसको लॉस ना हो मतलब देखो सेलर को भी पता है कि अगर वो कम इंटरेस्ट बोला तो इसमें डिबेंचर का कॉस्ट भी आ जाएगा इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो अगर सेलर को ये लगता है कि भैया 102 सौ केवल वो डिबेंचर से ही डिबेंचर का कॉस्ट से ही 102 रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट और ऊपर से मिल सकता है तो वो क्या यहां पे कम इंटरेस्ट बोलेगा क्या नहीं अगर वो सेलर को लगता है कि भैया डिबेंचर का भाव तो सौ रुपए का चल रहा है डिबेंचर का भाव सौ रुपए का चल रहा है चल इसपे दो रुपए अपन इंटरेस्ट भी जोड़ देते तब जाके वो मेरे को 102 बोलेगा मतलब जो वो 102 मेरे को कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करता है वो पूरा कैलकुलेट करके करता है कि भैया 102 में अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है

मैंने बोला बेटा पांच हजार पांच सौ ठीक है एग्जाम्पल पांच हजार पांच सौ फिर आपने बोला सर आपकी बुक्स भी चाहिए आपने पूछा कितने की मैंने बोला बेटा पंद्रह सो ठीक है फिर आपने पूछा सर आपसे टेस्ट भी पढ़ना है मैंने बोला बेटा उसके और पंद्रह सो कितना हो गया सर आपने स्टार्ट किया पांच हजार पांच सौ से जो केवल क्लास की फीस थी फिर आपने बोला बुक्स का कितना मैंने पंद्रह सो फिर आपने बोला सर टेस्ट वेस्ट भी लेना है आठ हजार पांच सौ अब एक दूसरा स्टूडेंट आता है सर पूरा ट्वेंटी फोर एडवांस अकाउंटिंग का जो भी है जैसा है सब सब आपसे करना है उसको मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा एट थाउजेंड फाइव कम क्यूम्यूलेटिव प्राइस है ये ये चीज क्लियर तो क्या यहां पे ये बोलने में, में मेरा कोई नुकसान हुआ क्या नुकसान हुआ क्या नुकसान हुआ क्या कोई स्टूडेंट आता है वो मेरे को बोलेगा सर केवल क्लास चाहिए ना कोई टेस्ट चाहिए ना आपसे कोई गाइडेंस चाहिए ना आपकी बुक चाहिए कुछ नहीं तो मैं उसको क्या बोलूंगा साढ़े पांच हजार एक्स तो साढ़े पांच हजार से बराबर यहां पे कोट करूंगा कि जब मैं कम प्राइस कोट क्यूमुलेटिव प्राइस कोट करूंगा तो उसमें सारी चीजें जोड़ने के बाद ही तो कोट करूंगा ना मैं अपना नुकसान थोड़ी होने दूंगा मैं अपना नुकसान थोड़ी होने दूंगा रे बाबा समझे कि नहीं तुम खाली किसी ने कम इंटरेस्ट कर दिया मतलब वो सन्यासी हो गया वो बेवकूफ हो गया वो खुद का नुकसान कर रहा है ऐसा नहीं है ये 102 भी जब उसने निकाला ना तो उसको पता था कि डिबेंचर की तो कॉस्ट केवल सौ है दो रुपए में अलग से इसमें इंटरेस्ट के जोड़ के मांग रहा हूं इंटरेस्ट के जोड़ के मांग रहा हूं ठीक है ओके हितेश बोल है सर वैल्यू एक तू तो एक, तो एक, तो एक तो लगा दे भाई तू तो एक, तो एक तो लगा दे तेरी इच्छा हो तो वंदना माहूर सर ये बारह परसेंट को दो से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हाफ ईयर का देना है इंटरेस्ट बेटा उन्होंने ये नहीं बोला है कि ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये जो आप बोल रहे हो ना ये आपका जो बोलने का मतलब है उसका मतलब होता है कि अगर 12 परसेंट छः महीने का है तो छः महीने में उसकी कंपाउंडिंग होगी ये 12 परसेंट वो लोग सिक्स मंथ्स कंपाउंडिंग नहीं बोल रहे साल भर का इंटरेस्ट रेट 12 परसेंट है कंपनी उसको पे दो हिस्सों में करेगी आप मेरे मेरे पास आते हो मेरे से आपसे right? आप तो आप... आप आपके पैसे सुरक्षित है, तो है मेरे पैसे किसी के पास नहीं जाने चाहिए ठीक है <laughs> तो आप क्या आए नहीं मैं आपके पास आया लोन लिया मैंने आपको बोला बारह परसेंट इंटरेस्ट दूंगा ठीक है आपने बोला चलो एक लाख का लोन है साल के बारह हजार मिलेंगे तो बारह हजार अपना फिक्स हो गया अब आप मुझे पूछते हो सर इसको पे कैसे करूंगे क्वार्टरली पे करूंगा तो मैं बारह हजार को साल में चार टुकड़ों में तोड़ के तीन हजार तीन हजार तीन हजार तीन हजार, हजार पे करूंगा क्वार्टरली पे, पे करूंगा उसका मतलब ये थोड़ी है कि बारह परसेंट क्वार्टर का है बारह परसेंट साल का है पे क्वार्टरली हो रहा है पे क्वार्टरली हो रहा है वैष्णवी सर थोड़ा आलिद ऊपर करो ना आलिद कौन है कौन है आलिद आलिद को ऊपर करो शिक्षा पूछ रही है इसका मतलब मार्केट प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्राइस यस मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्राइस ऑफ इंटरेस्ट गिव्स गिव्स मी मी व्हाट द यहां पे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स सर टोटल शेयर ही परचेज ना करे फिर इसका क्या लॉजिक हुआ शेयर कहां से आ गए यहाँ पे हम डिवेंचर की बात कर रहे हैं और उसमें आप बोल रहे टोटल शेयर ही परचेज ना करें फिर वट इवन मीन सर आपके टॉक्सिक रिलेटिव थे जब आप सीए कर रहे थे थे मतलब जिंदा है सब ऐसा मत करो ऐसा <laughs> मत करो सब जिंदा है <laughs> बाइफरकेशन नहीं करते ना कम में डायरेक्ट सब इंक्लूड करके बताते हैं वो जो वेंडर है जो सेलर है वो मेरे को जब कम इंटरेस्ट बोल रहा है तो वो सब इंक्लूड करके बता रहा है फिर मेरे को तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना इसमें इंटरेस्ट कितना उसने देखा उसने इसमें डिबेंचर का कितना लगाया मैं अपने एंड से सारे कैलकुलेशन करूंगा सर आप क्यों कैलकुलेशन करोगे कर दो ना पे एक साथ बेटा मेरे को अकाउंटिंग करनी है अकाउंटिंग करनी है तो सर अकाउंटिंग करते वक्त मेरे को सारे कैलकुलेशन लगेंगे सर आपको अकाउंटिंग करते वक्त क्यों कैलकुलेशन लगेंगे आप देखो आओ अकाउंटिंग पे आओ सभी लोग अकाउंटिंग पे आओ अब सर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे डिबेंचर खरीदा ना सर आपने यहाँ पे डिबेंचर खरीदा कि नहीं हाँ डिबेंचर खरीदा तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हाँ तो मेरे को इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हाँ सर इन्वेस्टमेंट अ है उसको डेबिट करेंगे तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्री अब मेरी यहाँ पे होगी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डेबिट ठीक है और यहाँ पे मैं क्रेडिट किसको करूंगा टू बैंक मुझे बताओ अब आप लोग मैं यहां पे जब अपना इन्वेस्टमेंट को डेबिट करता हूं तो इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट करूंगा सर इन्वेस्टमेंट आपने काय में किया डिबेंचर्स में डिबेंचर्स मेरे को कितने के मिले सर डिबेंचर्स की वैल्यू दस लाख थी तो यहां पे आप इसको दस लाख रुपए से डेबिट करोगे दस लाख ,00, बीस हजार से नहीं बीस हजार का तो इंटरेस्ट था ये डिबेंचर्स की वैल्यू दस लाख थी और फिर मैं क्या करूंगा इंटरेस्ट इस पे पे करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये मेरा खर्चा हुआ खर्चा हुआ तो खर्चे को क्या करेंगे डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे टू बैंक ये कितना था ये था मेरा बीस हजार रुपए सर दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके पास कर सकते क्या पूछने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल कर सकते हो ठीक है ये गया सबके दिमाग में ये गया सबके दिमाग में राइट 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 राइट, राइट। ओके okay, तो इसलिए कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है. है? है कि मैंने ये के लिए कितना दिया वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा जितना इंटरेस्ट के लिए दिया वो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट होगा राइट right? तो ये दोनों अकाउंट में कितना कितना डेबिट करना है वो भी तो हमको जानना पड़ेगा ना वो भी तो हमको जानना पड़ेगा ठीक है ओके okay, चलिए अब सर समझो एक दिन सर आपका और नौरा दोनों का झगड़ा हो गया सर क्यों झगड़ा हुआ झगड़ा इसलिए हुआ मैंने आपको कल बताया ना तेरह फरवरी दो हजार बाईस मैंने आपकी मैम को बारह फरवरी को बोल दिया था मैंने मैम को क्या बोला था यार देख अपन इतने समय से बात कर रही ना तू मना कर रही ना मैं मना कर रहा तू भी बराबर कॉल कर रही मैं भी बराबर कॉल कर रहा मैं कॉल करूं तो तू बराबर उठाती है यस तू मेरे को मिलने भी आ गई मिलने भी आ गई और मैं तेरे को बोल रहा चल वॉक करते तो तू भी आ रही वॉक करने में बोला चल डिनर पे जाते तो तू आ रही तो मैं बोला अब रुकना क्यों है तेरह फरवरी है बढ़िया दिन है चलो बात आगे बढ़ाते तो हमने बात आगे बढ़ा दी नौरा आई मेरे पास कब उसके दिन अगले चौदह फरवरी को आई है नौरा एकदम पूरा प्रपोजल सब तैयार करके आई नौरा पूरा प्रपोजल तैयार करके आई और नौरा बोले वहां पे प्रपोजल में लिखा था विल यू मैरी मी अरे मैं बोला नौरा ये तुमने क्या कर दिया नौरा ये जो तुमने जिसको प्रपोजल दिया है उसने ऑलरेडी प्रपोजल किसी और को दिया है बट ये मैंने बोला ये जो तुमने विल यू मैरी मी का ये पूरा पोस्टर वोस्टर बनाया वो दो मिनट दो साइड में रखो ये बाद में बताता हूँ क्यों साइड में रख रहा हूँ एक्चुअली बाद में मैं फिर मेरे को काम आने वाला था ना काम आने वाला था मेरे प्रपोजल के लिए तो मैंने बोला ये दो ये मेरे को काम आएगा बाद में मैंने फिर उसको बिठाया बताया नौरा ऐसा ऐसा है आई एम नाउ कमिटेड अब मैं बोला ये सब चलो ठीक है जाने दो कुछ नहीं हो जाता है लाइफ में कभी कभी धोखा होता है नाराज हो गई अब वो मेरे से नाराज हो गई नौरा मेरे से तो अब क्या, अब, क्या अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब देखो अब अगली चीज पे आते ठीक है यहां पर नौरा हो गई नाराज बिचारी क्या करेंगे यार अब सबका तो दिल नहीं रख सकते अपन सबका दिल रख सकते हैं no, 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 no. है। थोड़ी सी नाराज क्या करूं मैं बताऊ मेरा इंसान तो अच्छा ही हूं ना मैं हाँ सर इंसान तो बहुत अच्छे हूं अब नौरा के पास में गया उसके बाद में और मैंने नौरा को बोला हेलो नौरा कैसी हो कुछ समय मैं नौरा से दूर रहा वो मुझसे दूर रही फिर हमने वापस टॉकिंग टर्म्स में आ गए टॉकिंग टर्म्स में आ गए तो मैं गया नौरा के पास मैं नौरा को बोला हलो नौरा तो उसने बोला ऑल गुड तुम कैसे हो लाइफ एंड एंड एवरीथिंग ये वो सब बात मैंने बोला नौरा तुम्हारे पास डिबेंचर है मुझे परचेज करने हैं तो बोले ओके okay. तो मैंने नौरा को बोला ये डिवेंचर कितने के है तो एक सौ दो मैंने बोला क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बोले ए, 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 नो एक्स इंटरेस्ट ये क्या है इस बार अब उस गुस्सा तो था ना बदला तो कैसे रहा कैसे उसको निकाल नहीं था तो ये क्या है दिस इज एक्स इंटरेस्ट उसने बोली मतलब इस बार वो क्या बोल रही है केवल का कॉस्ट है ओनली कवर्स द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ओनली कवर्स द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स दिस डज नॉट कवर वॉट दिस डज नॉट कवर इंटरेस्ट ड नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट मतलब सर यहां पे क्या इंटरेस्ट पे नहीं करने का क्या इंटरेस्ट आपको पे करना ही नहीं है क्या अरे बेटा इंटरेस्ट पे करना है वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया और आज देखो मैंने यहां पे रिमेंबर भी लिखवाया इंटरेस्ट तो आपने पे करना ही है आपने डिबेंचर खरीदा जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ पे करना ही चाहिए. इसमें क्या कोई भी यहां पे डाउट है क्या नहीं इंटरेस्ट तो पे करना है बट इस बार जो 102 उसने मेरे को कोट की वो बोले ये 102 में केवल डिबेंचर्स का कॉस्ट इंक्लूडेड है मतलब सर यहां पे क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट विल बी पेड ओवर एंड अबाव इंटरेस्ट विल बी पेड ओवर एंड अबाउ द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ओवर एंड अबाउ कॉस्ट ऑफ वन जीरो टू ठीक है द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स वन जीरो टू नहीं लिखता हूं द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना है बट अलग से एक सौ दो आप जो पे कर रहे हो वो केवल डिबेंचर्स का है एक सौ दो जो पे कर रहे हो वो क्या है केवल यहां पे डिबेंचर्स का है लोकेश बिल्कुल गलत दस लाख बीस हजार इंटरेस्ट नहीं देना है इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है मैं यहां पे जो लिखा रहा हूं ओवर एंड अबाउ द कॉस्ट मतलब बेटा एक सौ दो तो डिवेंचर का दोगे इंटरेस्ट अलग से दोगे मैंने ऐसा नहीं लिखा इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ये नहीं लिखा है मैंने 102 पे पे करना है ऐसा नहीं लिखा मैंने 102 तो पे करोगे ही करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट ल... अबे इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन तो सही रखो बे छोले के भटूरे इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन आड़ा तेड़ा निकालोप्ट का मतलब बदा... बदल दोगे तुम लोग सर तो अब देखो अब देखो अब देखो हमने यहां पर इंटरेस्ट कितना पे करना है सर यहां पर देखो इंटरेस्ट हमने नौरा से कितने डिबेंचर खरीदे हमने नौरा से जो खरीदे वो दस हजार डिबेंचर है सर इंटरेस्ट काय पे पे होता है फेस वैल्यू पे कितने परसेंट से बारह परसेंट से कितने महीने का जितना अभी तक अक्रू हुआ है दो महीने का कितना आएगा बीस हजार सर यहाँ पे भी इंटरेस्ट बीस हजार है हाँ अरे बेटा इंटरेस्ट तो वो सेम पीरियड के लिए ही था बट ये बीस हजार क्या इसमें इंक्लूडेड था क्या नहीं ये अब अलग से पे करना है तो सर इस बार अगर मैं बोलू मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इन्होंने जो दिया है वो कितना है एक तो मेरा यहां पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइनल कितना रहेगा 102 102 केवल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को रिप्रेजेंट करता है 102 सो दो डिबेंचर के कॉस्ट और इंटरेस्ट के कॉस्ट का टोटल रिप्रेजेंट नहीं करता है ये चीज क्लियर इट इज नॉट द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ दीज टू इट ओनली रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स तो सर इस बार जर्नल एंट्री क्या होगी इस बार जो मेरी जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी मुझे बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री सर जर्नल एंट्री इस बार मेरी रहेगी मैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ Reliance Industries Limited debit investment in debentures of Reliance Industries Limited debit कितना डेबिट करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे दस हजार इंटू एक सौ दो पूरा का पूरा ये पूरा डिवेंचर का कॉस्ट था इस बार और किसको क्रेडिट करूंगा मैं यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करूंगा कितना हो जाएगा दस हजार इंटू एक सौ दो सर इंटरेस्ट भी तो पे करूंगे यस बच्चों इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट ठीक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू बैंक ये कितना हो जाएगा बीस हजार रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा बीस हजार रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा ठीक है गया दिमाग में यस 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 नोट लिखो यहां पे नोट लिखो X interest does not mean X interest does not mean that interest will not be paid will not be paid. It means that the price quoted for the debentures does not include does not include interest it means the price quoted does not

ठीक है बच्चे जनरली ये कंफ्यूज करते हैं एक्स इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है अरे बेटा डिबेंचर खरीदा इंटरेस्ट पे करना है कल हीच पढ़ा था ये पॉइंट कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना है अब खाली बात ये है कि अगर कम इंटरेस्ट बोला तो 102 के प्राइस के अंदर ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है एक्स इंटरेस्ट बोला तो 102 केवल डिबेंचर का कॉस्ट है इंटरेस्ट और ऊपर से अलग से देना है सर पहले हम दस लाख चालीस दे रहे थे टोटल इंटरेस्ट के साथ एक्स इंटरेस्ट का केस है तो उसमें दस लाख चालीस दे रहे ठीक है एंड अब हम कम इंटरेस्ट दे रहे हैं दस लाख बीस हजार दे रहे आज आई आज अबाउट प्रीवियस क्वेश्चन हाँ ठीक है तो इसमें अगर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट जैसा अलग अलग है तो व्हाट इज योर डाउट कि पहले दस एक्स इंटरेस्ट के केस में दस चालीस देना है कम इंटरेस्ट के केस में दस बीस देना है तो व्हाट इज योर डाउट इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है सर व्हाट इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन इट विल बी मेंशन सर द डाउट इज आपको तो ज़्यादा पैसा देना पड़ गया है ना नौरा को अरे बेटा अब देखो आज सिंपल नौरा और तेजस का डिवेंचर्स का कहानी छोड़ो मेरे क्लास की बात करते हैं आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है ठीक है मेरे क्लास की फ़ीस लास्ट टाइम कितनी थी साढ़े सात हज़ार थी इस बार कितनी हो गई साढ़े आठ हज़ार हो गई थी। ठीक है तो क्या मैंने लास्ट टाइम साढ़े सात हज़ार चार्ज किया था तो वो लेने से मेरा क्या नुकसान हो गया था क्या नहीं लास्ट टाइम की फ़ीस साढ़े थी इस साल की फीस साढ़े आठ है पहले डिबेंचर का मार्केट प्राइस सौ था अब डिबेंचर का मार्केट प्राइस एक सौ दो है जब डिबेंचर का मार्केट प्राइस सौ था तो उसमें नौरा दो रुपए का इंटरेस्ट उसके साथ ही जोड़ के मेरे को बोल रही थी एक रुपए कम इंटरेस्ट अब वो सौ की जगह उसका मार्केट प्राइस एक सौ दो हो गया है तो वो बोलती है एक सौ दो इस बार केवल डिवेंचर का है मार्केट प्राइस बढ़ गया इसका इंटरेस्ट अलग से देना है तो इसमें दोनों केस कंपैरेटिव नहीं है अरे ऐसा नहीं है कि एक जना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है कि भैया एक सौ दो केवल डिबेंचर का मार्केट प्राइस है और उसमें बोल रहा है चल ठीक है मैं अपना नुकसान झेल लूंगा तो एक में ही इंटरेस्ट भी मान ले तूने दे दिया नहीं वो जब 102 अगर मेरे को कम इंटरेस्ट बोल रहा है मतलब डिबेंचर का प्राइस 100 था उसमें इंटरेस्ट का प्राइस दो जोड़ रहा है और 102 बोल रहा है अगर वो 102 मेरे को ऐसा बोल रहा है कि ये एक्स इंटरेस्ट है मतलब डिबेंचर का ही मार्केट प्राइस 102 है तो उसमें वो कोई नुकसान नहीं झेल रहा यहां पर यहां पर वो केवल मार्केट प्राइस जो है वो दोनों केस में अलग अलग है मार्केट प्राइस दोनों में अलग अलग है तो उसमें एक केस में फायदा एक केस में लॉस नहीं हो जाता है वो केस ही पूरे अलग अलग है चलो तो अब यहां से x प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट बिल्कुल सही बात x इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक है चलिए चलिए तो अब यहां से और आगे बढ़े एक और एग्जाम्पल करेंगे इस इसपे चलो अब इस पर हम क्या करेंगे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमारी समझ और बढ़ेगी तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल ओवर इन लिखो सभी लोग एग्जाम्पल ठीक है और यहाँ पे देखो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ रही ना हमारे लेट लतीफ़ लोग आते जा रहे हैं क्लास के लिटरली सवा घंटे बाद लोग ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये लेट लतीफ़ लोग से मेरा बोलना है बेटा ये चीज़ ना आपको बहुत भारी पड़ेगी आगे जाके ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगी आज आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा आप बोलोगे अरे मैंने लेट आके भी तो समझ लिया मेरे को तो समझ गया मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं गई आज ठीक है बट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारे बढ़ते जाएंगे स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी लेवल ऑफ डिफिकल्टी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो तो बेटा प्लीज ये टाइम वेस्ट ऐसा करते मत जाओ क्लास के टाइमिंग्स के लिए बहुत एकदम याद से आते जाओ अब देखो यहां पे सभी लोग का ध्यान इधर रहना चाहिए अब मैं यहां पे आपको बोलता हूं किसका नाम लू दो स्टूडेंट्स का नाम लेता हूं एक है वंशिका और एक है सागर यहां पे वंशिका लिमिटेड वंशिका लिमिटेड इन्वेस्टेड इन in डिबेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड एज फॉलोज अभी सभी लोग एग्जाम्पल लिखेंगे जब मैं कुछ लिख रहा हूं जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तब डाउट पूछ के मतलब नहीं क्योंकि मैं लिख रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं मैं वैसी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं तब आप डाउट लिख भी लोगे तो वो क्या हो जाएगा तो मेरा डाउट उड़ जाएगा तो तब डाउट लिख के सेंस नहीं और स्पैम करके बिल्कुल सेंस नहीं क्योंकि एक बार स्पैम किए तो आगे कभी कमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा ब्लॉक हो जाओगे तो जब मैं लिख रहा हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तब पढ़ो जब मैं आपको डाउट के लिए पूछता हूं कि आप बताओ डाउट तब डाउट पूछने का अदरवाइज नहीं पूछने का वेरी लॉजिकल सेंस अगर ये हमारी फेस टू फेस क्लास होती और मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं या मैं कुछ आपको समझा रहा हूं तो क्या अचानक से बिना बोले उठ के आप एकदम डाउट पूछ देते क्या नहीं डाउट के लिए रुकते कि सर जब बोलेंगे डाउट क्या है तब आप पूछते हैं सेम लॉजिक यहां पे भी लगाओ कि सर जब बोल रहे समझा रहे तब डाउट नहीं पूछने का क्योंकि वो तब समझा रहा है या वो तब लिख रहा है तो तब डाउट पूछ के सेंस नहीं है जब वो एक्चुअली बोल रहा है हाँ बेटा आप डाउट पूछो तब डाउट पूछने का ठीक है वेरी 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 लॉजिकल ठीक है ंशिका लिमिटेड इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड एज फॉलो सबसे पहले वन सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी परचेस्ड थर्टी थाउजेंड डिबेंचर्स थर्टी थाउजेंड डिबेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड एट रुपीज वन वन जीरो एक्स इंटरेस्ट अगली चीज क्या है वन लेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी परचेस्ड ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचर्स ट्वेंटी थाउजेंड डिवेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड एट रुपीज वन वन फाइव कम इंटरेस्ट फिर सागर लिमिटेड पेज इंटरेस्ट पेज इंटरेस्ट ऑन थर्टीएथ सेप्टेंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर साल में दो बार इंटरेस्ट पे करता है ठीक है इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू टेन परसेंट पर एनम पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वंशिका इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वंशिका चलो लेट्स मूव अहेड विद लेट्स मूव विद दिस देखो अगेन जब मैं लिख रहा हूं तब इनको लिखना है सर पर्सन डिवेंचर बेटा एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने देता तब तक रुक जाता तो फिजूल का कमेंट नहीं करके अपना लिख लेता पर नहीं हमको चूल ज्यादा है हमको कमेंट करने के पैसे नहीं लग रहे चलिए लिख लिया सबने ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लेंगे फिर सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे टाइम लाइन बनाएंगे डन लेट्स मूव हेड विथ दिस अब यहाँ पे सर टाइमलाइन बनाते हैं सबसे पहले टाइमलाइन में हम फाइनेंशियल ईयर मार्क करेंगे फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या है है ठीक इसमें सर सबसे पहले क्या दिया है हमने कब परचेज किया वन सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे वन सिक्स ट्वेंटी को परचेज किया है कितने डिबेंचर्स थर्टी थाउजेंड डिबेंचर्स परचेज किया है तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज क्या चीज थर्टी डिबेंचर्स थर्टी थाउजेंड डिवेंचर्स 30, कितने में एट वन वन जीरो जैसा मैं लिख रहा हूं आप लोग भी वैसी लिखूंगे वन वन जीरो क्या है सर दिस इज एक्स इंटरेस्ट तो ब्रैकेट में लिख देना एक्स सर आपने क्या बोला था जब कभी परचेस करो साथ ही साथ क्या करना पड़ता है इंटरेस्ट भी पे करेंगे तो यहां पे लिख देना इंटरेस्ट पे करना है ओके इसके बाद फिर क्या चीज बोलते हैं अगली चीज पे आते हैं फिर सर वन इलेवन ट्वेंटी वन तो यहाँ पे अब वन इलेवन ट्वेंटी वन मार्क कर दो वन इलेवन ट्वेंटी सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है सर वापस परचेज किए इस बार कितने डिवेंचर्स है ट्वेंटी थाउजेंड हमने परचेज किए बिल्कुल सही बात कितने में इस बार हमने परचेस किए हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन में हंड्रेड एंड फिफ्टीन क्या है सर कम इंटरेस्ट ठीक है और इस पे भी क्या करना है सर हमने इंटरेस्ट को पे करना है इस पे भी क्या करना है इंटरेस्ट को पे करना है डन

एवरीबडी प्लीज प्रिपेयर द टाइम लाइन फटाफट 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 बनाएंगे सभी लोग और देखो मैं ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए अलग से क्योंकि आप लोग अभी फाउंडेशन से थोड़ा सा आए हो तो आपको इंटर की स्पीड कैच करने में समय लग रहा है बट एवरीबडी यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे लिखने की आदत मेरे साथ साथ डालें क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा फिर आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा ठीक है टाइम नहीं मिलेगा सर आप टाइम नहीं दोगे तो हम ऐसी जगह क्लास लगाएंगे जहां पे हमको लिखने का अलग से टाइम मिले कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कहीं भी लगा लो हर जगह लगा लो देख लेना नहीं मिलेगा ओके okay, चलिए तो अब मैं आता हूं इसमें सॉल्यूशन पे सर सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या किया है सबसे पहले मैंने यहां परचेज किया है थर्टी थाउजेंड ये क्या है 110 में परचेज किया है और ये क्या है सर एक्स इंटरेस्ट मतलब मुझे बताओ 110 केवल काय का प्राइस था सर 110 केवल डिबेंचर्स की कॉस्ट यहाँ पे 110 क्या था केवल 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 डिबेंचर्स इसमें क्या 110 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड था सर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था लिखा है ना एक्स मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट सर सबसे पहली मेरी जर्नल एंट्री यहां पर क्या होगी सर वन सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी को मैं सबसे पहली जर्नल एंट्री जब पास करता हूं तो क्या चीज यहां पे हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा सबसे पहली चीज क्या सर मैंने डिबेंचर्स परचेज किए बिल्कुल सर मैंने डिवेंचर्स परचेज किए तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ असिड क्रिएट हुआ तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड डेबिट सागर लिमिटेड डेबिट सर कितने का मेरा थर्टी थाउजेंड इंटू वन वन जीरो है तो थर्टी थाउजेंड डिबेंचर मैंने परचेज किए एंड वन वन जीरो ठीक है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और सर मेरा क्या लगा यहाँ पे पैसा लगा तो बैंक को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बैंक को मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा थर्टी थाउजेंड इन टू वन वन जीरो आपने क्या बोला था कि आपने परचेस किया तो परचेस करने के साथ साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है सर इंटरेस्ट की एंट्री मेरी होती है हमारे लिए खर्चा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे इंटरेस्ट को मैं डेबिट करूंगा और किसको क्रेडिट करूंगा सर कर देंगे रेट से लगेगा टेन परसेंट पर एनम के हिसाब से आप देखो मेरे थर्टी थाउजेंड डिवेंचर्स है एक सौ दस पे परचेज किया बट उसकी फेस वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे हैं फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है तो फेस वैल्यू में उसकी कितनी है 100 की उसकी फेस वैल्यू है है ठीक फेस वैल्यू उसकी कितनी थी 100 की थी अप्रैल मे फर्स्ट जून है, है ना तो दो ही महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो इंटू टू आ जाएगा इंटू टू डिड बाई है इंटरेस्ट थर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू टेन

देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ जून की मैंने दोनों एंट्री कर दी परचेस की भी एंट्री कर दी यस सर परचेज की भी एंट्री कर दी और इंटरेस्ट जो पे किया उसकी भी एंट्री कर दी ठीक है यस yes. अब मेरे को आप बता दो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन इसी डेट का पूछ रहा हूं कि इस डेट पे अगर ये डिबेंचर्स मेरे को कम इंटरेस्ट परचेस करने होते तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना था इस डेट पे अगर मेरे को डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट परचेज करने होते तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आता ये जो पर्सन मेरे को बेचता था वो मेरे को क्या बोलता कि देख भाई डिबेंचर का कॉस्ट कितना है 30000 110 ठीक है तो ये होता 30000 110 तो कितना हो जाता 33 लाख रुपए ये मेरे से डिबेंचर्स के लेता और ये मेरे से और क्या लेता सर पचास हजार रुपए इंटरेस्ट के लेता तो टोटल ये मेरे से कितना लेता ये मेरे से लेता तैतीस लाख पचास हजार रुपए ये मेरे से तैतीस लाख पचास हजार रुपए लेता कितने डिबेंचर्स के थर्टी थाउजेंड डिबेंचर के तो एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ जाती मुझे बताओ एक डिबेंचर की वैल्यू यह कितनी निकालता वन 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 पॉइंट सिक्स सेवन तो ये हो जाता वन 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 पॉइंट सिक्स सेवन कम इंटरेस्ट ये चीज क्लियर हुआ तो ये पर्सन अगर मेरे को यहां पे कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करता तो क्या ये खुद का नुकसान करता क्या क्या ये खुद कुछ भी सैक्रिफाइस करता क्या नहीं रे बाबा कम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है जो आज की मार्केट वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट जोड़ के कम इंटरेस्ट करते ऐसा नहीं होता है कि आज की जो मार्केट वैल्यू है उसी को मान लेंगे अरे चल अब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो गया हम तो लुट गए बर्बाद अरे नहीं रे बाबा कोई क्यों ऐसा करेगा जब हम कम इंटरेस्ट की बात करते कम इंटरेस्ट की बात करते तो जो आज की मार्केट वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ के जो टोटल अमाउंट आया उसको टोटल डिवेंचर से डिवाइड करो तो यह आपका कम इंटरेस्ट अमाउंट आ गया ये आपका क्या आ गया कम इंटरेस्ट अमाउंट आ गया ये चीज समझे ये चीज समझे यस तो सर हमने क्या किया अगर सर यहां पे एक्स इंटरेस्ट की जगह हमें कम इंटरेस्ट वैल्यू इन्होंने बोली रहती तो कैसे देते आज की जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है एक सौ दस इंटू थर्टी थाउजेंड तो ये हो गया तैतीस लाख फिर ये लोग निकालते आज तक का इंटरेस्ट कितना है आज तक का इंटरेस्ट कितना है आज तक का इंटरेस्ट कितना है तो वो आया पचास हजार तो जो एक्स इंटरेस्ट है उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो मेरे पास कम इंटरेस्ट प्राइस आया हां उसको मैं नंबर ऑफ डिवेंचर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया एक डिबेंचर का कम इंटरेस्ट प्राइस यहां पे आ चुका है ओके ये चीज सभी को क्लियर यह चीज सभी को क्लियर ठीक है तो मुझे बताओ आज अगर आपको किसी को डिबेंचर बेचना रहे या किसी से खरीदना रहे वो आपको एक्स इंटरेस्ट बोलेगा या फिर वो आपको कम इंटरेस्ट बोलेगा तो क्या आपका या उसका कुछ भी एडिशनल प्रॉफिट लॉस इसमें होता है क्या नहीं अगर वो आपको एक्स इंटरेस्ट बोल रहा है तो केवल वो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू चार्ज कर रहा है अगर वो आपको कम इंटरेस्ट बोल रहा है तो आज की जो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है उसके साथ इंटरेस्ट एड करके आपको टोटल प्राइस कोट कर रहा है तो वो मार्केट वैल्यू डिबेंचर की तो लेगा ही कम इंटरेस्ट में प्लस इंटरेस्ट अलग से आपको उसमें इंक्लूड करके एक टोटल प्राइस बताएगा ये चीज एक्सक्यूज मी गया दिमाग में ये गया दिमाग में ओके चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब अगली चीज क्या है अगली चीज पे जब मैं आता हूं तो सर अब मैंने फर्स्ट ऑफ जून की सारी एंट्रीज कर दी फर्स्ट ऑफ जून की सारी एंट्रीज कर दी फर्स्ट ऑफ जून की एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट एंट्री कौन से डेट पे 30 सितंबर, 30 सितंबर को मुझे क्या मिलने वाला है मुझे ये से मिलने वाला है मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो मेरे लिए क्या हो जाता है इनकम तो नेक्स्ट मैं एंट्री यहां पे करता हूं 30 सितंबर 2020 को 30 सितंबर 2020 को यहां पे मैं इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा मेरे लिए इनकम होगी तो मैं इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और सर ये मेरे को रिसीव भी होगा तो किसको डेबिट करना है हमने सर यहां पे बैंक को डेबिट करना है बैंक को डेबिट करेंगे यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर आपके पास कितने डिबेंचर्स है तो मैंने बोला यार मेरे पास तो यहां पे थर्टी थाउजेंड डिबेंचर्स है उसकी सर फेस वैल्यू कितनी है सौ इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा सर इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, और यहाँ पे सर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी तो कितने मंथ्स का देगी कंपनी पूरे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट देगी कंपनी बोलता है जो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर उसको पूरे सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा तो कंपनी यहां पे मेरे को सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट देगी मतलब सिक्स बाय कितना हो गया थर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू टेन परसेंट डिवाइडेड बाई टू तो ये होता है इंटरेस्ट मिल जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मेरे को यहां पे इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक है ओके चलिए तो यहां पे ये बात हो गई डन इसके बाद अब देखो क्या चीज है इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को नेक्स्ट डेट अब क्या दिख रही है फर्स्ट ऑफ नवंबर 2020 जिस पे जिसपे हम क्या चीज करेंगे अब हमने क्या किया वापस परचेस किया अब देखो इस बार जब मैंने परचेस किया है कितना 20,000 परचेज़ किया 115 कम इंटरेस्ट और ये 115 कम इंटरेस्ट है तो सर इस बार कम इंटरेस्ट मतलब क्या है 115 में डिबेंचर्स का कॉस्ट भी है और 115 में इंटरेस्ट दोनों चीज इंक्लूडेड है सर जब आप डिबेंचर्स परचेस करते हो फर्स्ट ऑफ नवंबर को तो डिबेंचर्स परचेस करने की आपकी एंट्री क्या आती है मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ नवंबर को डिबेंचर्स परचेस करने की एंट्री क्या आती है फर्स्ट ऑफ नवंबर को सर डिबेंचर्स परचेज किए तो आप करोगे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट पहले मेरे को जर्नल एंट्री बताएंगे अमाउंट की बात बाद में ठीक है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ कौन सा कंपनी सागर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ सागर लिमिटेड डेबिट टू बैंक यस सर ये होगा और सर हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे तो इंटरेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू क्या हो जाएगा बैंक अगेन टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बिल्कुल सही बात अब सर यहां पे देखो क्या चीज है मेरे को यहां पे सबसे पहले निकाल लेना है मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सर मैंने यहां पे कितने डिबेंचर्स परचेज किए हैं आपने ट्वेंटी थाउजेंड डिबेंचर्स परचेज किए तो इस पर इंटरेस्ट तो हमारा आ जाएगा देखो कैसे ट्वेंटी थाउजेंड मैंने परचेज किए उसकी फेस वैल्यू के अनुसार मैं टेन परसेंट इंटरेस्ट लूंगा कितने महीने के लिए सर अभी कितने महीने हुए आखिरी इंटरेस्ट से लेके आज तक सर लास्ट इंटरेस्ट सबसे पहले तो तीस सितंबर था वहां से लेके आज तक कितने महीने हुए अक्टूबर नवंबर हुआ क्या नहीं आज पहला नवंबर तो है केवल अक्टूबर एक महीने का इंटरेस्ट इंटू वन बाय ट्वेल्व तो कितना हो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू टेन परसेंट डिड बाई ट्रेड एंड सिक्सेंड सिक्स राउंड ऑफ कर लेंगे उसको इतना इंटरेस्ट मैंने यहां पे पे करना है सर अब देखो आपने क्या किया टोटल एक सौ पंद्रह एक डिबेंचर का था यस yes, जिसमें से हमने इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लिए तो सर अब डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है कैसे निकालेंगे तो यहीं पर मैं लिखता हूं एक वर्किंग नोट ठीक है मैं पेज के एंड पे बनाता हूं एक वर्किंग नोट वर्किंग नोट का नाम क्या रहेगा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना है सर मुझे कौन सा प्राइस दिया था कम इंटरेस्ट प्राइस तो यहां पर कितना दिया था मुझे बताएंगे सभी लोग एवरीबडी 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 कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स मेरा कितना था सर ये इन्होंने दिया था आपने बीस हजार डिबेंचर खरीदे हैं 115 में तो ये आ गया कम इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल तो बीस हजार इंटो एक सौ पंद्रह इंटोटो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा तेईस लाख रुपए ये था कम इंटरेस्ट कॉस्ट जिसमें से अभी मैंने क्या किया इंटरेस्ट तो निकाल लिया तो इंटरेस्ट जो है वो यहां से माइनस कर दो इंटरेस्ट आपने कितना निकाला अभी तो ऊपर निकाला ना मैंने सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ठीक है तो ये जो एक महीने का इंटरेस्ट है वो यहां से मैं क्या कर दूंगा माइनस सिक्स हंड्रेड एंड तो मेरे पास अब क्या बचता है बच्चों मेरे पास जो यहाँ पे बचता है दैट इज वॉट दैट इज द एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ़ इंटरेस्टेंचर कितना है तेईस लाख माइनस हो गया सर ट्वेंटी थ्री तो सर ये जो ट्वेंटी टू लैख एंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री है इसको मैं यहां पर लिखूंगा ओके, okay? यस yes, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इतने का है ये चीज सभी को क्लियर ये चीज सभी को क्लियर अब मैं अगर आपको यहां पे पूछूं कि ये जो एक नवंबर को मैंने डिबेंचर्स परचेस किए 115 कम इंटरेस्ट में मेरे को जानना है कि केवल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी थी 115 की जो वैल्यू थी वो तो डिबेंचर की भी मार्केट वैल्यू थी और इंटरेस्ट भी था दोनों था मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर केवल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू जानना है 115 में तो दोनों था केवल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू जानना है तो क्या सर सिंपल अगर आपको डिबेंचर की मार्केट वैल्यू जानना है ना तो ये ट्वेंटी 83, थ्री ट्रिपल थ्री डिबेंचर की टोटल वैल्यू आपने पे की? केवल debenture की value पे की? कितनी इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स से तो मेरे पास एक डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी दैट विल बी हंड्रेड एंड या वन ये चीज क्लियर तो अगर आज फर्स्ट ऑफ नवंबर को मुझे एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट करना होता तो मैं क्या प्राइस कोट करता सर फर्स्ट ऑफ नवंबर को आपको अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट करना होता तो आप यह प्राइस कोट करते अगर फर्स्ट ऑफ नवंबर को आपको कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करना है तो आप यह प्राइस कोट करोगे मैं क्या अपना कहीं भी नुकसान होने दूंगा क्या इसमें मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगा कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान नहीं होने देगा वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट करेगा तो इतना करेगा कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करेगा तो एक करेगा मतलब सर सिंपल भाषा में अगर हम यहां पर कहे एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स से अगर मुझे कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स पे आना है कम इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स तो मुझे क्या चीज ऐड करना पड़ेगा सर हमें क्या चीज ऐड करना पड़ेगा बताइए सर एक ही चीज ऐड करना पड़ेगा वो है हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड कर दो इसमें ठीक है यस तो आपका एक्स इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट पे चले जाते हो कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट पे आना है तो इंटरेस्ट माइनस कर दो एक्स इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट पे जाना है तो इंटरेस्ट एड कर दो ठीक है तो आप अगर यहां यहां पे पे मैं अगर आपको पे बोलू, मेरा एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है एक सौ चौदह पॉइंट सिक्स नवंबर का एग्जांपल ले रहा हूं ठीक है है कि क्या है एक सौ चौदह पॉइंट वन सेवन और ये अगर कम इंटरेस्ट प्राइस एक सौ पंद्रह तो मुझे बताओ इसमें डिफरेंस इंटरेस्ट कितना है 115 सर, एक सौ पंद्रह माइनस एक सौ चौदह पॉइंटर पे ले रहे हो ठीक ठीक है है मुझे बताओ अब क्या मेरे पास अगर आज मार्केट वैल्यू ये चल रही है ये क्या है ये मार्केट वैल्यू हो गया डिबेंचर का मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर आज अगर आप मेरे पास आते हो खरीदने की सर आपके पास डिबेंचर है हमको चाहिए तो अगर मैं आपको 114.17 प्राइस कोट करूं तो ये क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा एक्स इंटरेस्ट में केवल डिबेंचर का प्राइस कोट कर रहा आप बोलते हो सर सब जोड़-वड़ जोड़ के बताओ ना तो मैं क्या आपको यहां पे ये बोलूंगा कि चल 114.17 टू तो कम इंटरेस्ट ले ले नहीं मैं आपको बोलूंगा बेटा 114.17 प्लस 0.83 आपको अगर कम इंटरेस्ट प्राइस चाहिए तो ये वाला प्राइस है आपके लिए आप बोलते हो नहीं सर नहीं सर नहीं सर एक सिंह तो मैं बोलूंगा ये वाला अरे पर कोई फर्क है क्या नहीं इंटरेस्ट तो मैं आपसे लेके रहूंगा इंटरेस्ट तो मैं आपसे लेके रहूंगा यस अगर मैं बोलता हूं तो इसमें अडिशनल इतना इंटरेस्ट लेके रहूंगा अगर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बोलता हूं तो इसमें दोनों चीज आ गई डिवेंचर का कॉस्ट भी आ गया इंटरेस्ट भी आ गया, आ गया दोनों चीज आ, आ गई मेरी ठीक है मैं क्या कहीं कोई सेक्रीफाइस करूंगा क्या मैं कोई सेक्रीफाइस किया तुम मेरे कुछ लगते हो क्या नहीं वो तो केवल नौरा थी जो मेरी खास थी नौरा केवल मेरे को क्या बोलेगी अरे तेजस तुम तुमारे लिए मैं 114.17 में मान कि डिवेंचर का कॉस्ट भी इंटरेस्ट भी है, और इसको मैं कम बना दूंगी पर बाकी किसी के लिए थोड़ी अप्लाई होता है बाकी किसी के लिए थोड़ी अप्लाई होता है ये जो मेरा एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट जोड़ो तो मेरे पास कम इंटरेस्ट कॉस्ट आता है समझे ये सेम लॉजिक मेरे को अब बताओ कौन सी तारीख के लिए फर्स्ट जून के लिए बताओ फर्स्ट जून को इन्होंने दिया था 110 आपका क्या था एक्स इंटरेस्ट था 110 आपका क्या था एक्स इंटरेस्ट था फर्स्ट ऑफ जून को 110 सौ दस एक्स इंटरेस्ट अब सर इसमें इंटरेस्ट जोड़ के अगर मेरे को कम इंटरेस्ट पे आना है तो सर इंटरेस्ट कितना था यहां पे फर्स्ट जून को आपने इंटरेस्ट कितना पे किए थे सर फिफ्टी थाउजेंड कितने डिबेंचर्स के लिए थर्टी थाउजेंड फिफ्टी तो थाउजेंड का टोटल इंटरेस्ट था कितने के लिए तो एक पे था, का डिबेंचर तो पे लेवन पॉइंट सेवन का, का वही मैंने आपको ऊपर दूसरी तरीके से भी निकाल के बताया यहां पे अभी नीचे मैंने आपको पर यूनिट बेसिस पे बताया ऊपर यहां पे टोटल बेसिस पे बताया था ऊपर मैंने क्या बोला आपने टोटल थर्टी थाउजेंड डिबेंचर्स के लिए कितना पे किए केवल डिबेंचर्स के लिए क्योंकि ये क्या दिया है तो पचास हजार तो आप टोटल डिबेंचर्स और इंटरेस्ट मिला के कितना पे कर रहे हो तैतीस लाख पचास हजार ये टोटल पे कर रहे हो टोटल कितने डिबेंचर्स के लिए तीस हजार डिवाइड करो तो एक डिबेंचर का कम इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा ये तो मैंने समझाया कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो कान पकड़ना मैंने आपको समझा दिया कान पकड़ना मैंने आपको समझा दिया ठीक है गया सबके दिमाग में बताओ मेरे को मित्र मंडली बताओ न्यू डिवेंचर लेंगे तो ये कल का पॉइंट नया डिबेंचर खरीदा इंटरेस्ट तो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट तो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा सर इसके इसका आगे यूज होगा क्या पर शेयर अरे यार ये पर शेयर प्राइस कहां से आ रहा है पर शेयर प्राइस कहां से आ रहा है यहां पे आप लोग के लिए हम डिवेंचर की बात कर रहे हैं मित्र मंडली कम इंटरेस्ट की नोट नहीं लिखना बाकी है जरूरत ही नहीं है वहां पे सर नरेशन अरे बेटा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट में थोड़ी नरेशन, नरेशन में कोई कॉन्सेप्ट ए छोले के भट्टरे गच्चे, गच्चे दूंगा तीखी कोनी हाँ इसमें लगाऊंगा पहले मिर्ची निचोड़ूंगा नींबू और फिर थोड़ा सा नमक और घच्चे से तीखी कोनी दूंगा एक सर थर्टी फर्स्ट मार्च की एंट्री हाँ वो हमारी रह गई है थर्टी फर्स्ट मार्च की एंट्री कर लो थर्टी फर्स्ट मार्च की भी अब एंट्री करते ठीक है हाँ सर ये करवा दो थर्टी फर्स्ट मार्च की एंट्री बोलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाने पढ़ाने में थर्टी फर्स्ट मार्च रह गया अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया सर फर्स्ट नवंबर की एंट्री हो गई परचेज भी हो गया इंटरेस्ट भी पे हो गया इसके बाद अब देखो थर्टी फर्स्ट मार्च को सर वो कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है कितने छह महीने का छह महीने का मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे सर पहले थर्टी तो थाउजेंड खरीदे थे ये अभी भी रखे हुए फिर ट्वेंटी थाउजेंड तो पचास हजार आप मेरे पास है डिवेंचर पचास हजार पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कब ये मिलेगा थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड कौन सा ट्वेंटी वन थर्टी वन थ्री ट्वेंटी वन को मिलेगा ठीक है थर्टी वन थ्री ट्वेंटी वन का हो मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है यस सर तो इंटरेस्ट मेरी इनकम हो गई तो पहले रिसीव होगा तो बैंक में डेबिट क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने डिबेंचर्स है बच्चों मेरे पास सर आपके पास है पचास हजार पचास हजार पे आपको सौ रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू पे टेन परसेंट से छह महीने का इंटरेस्ट पचास हजार इंटू सौ पचास लाख पांच लाख पांच लाख ढाई लाख का इंटरेस्ट ठीक है हो गया चलो यार ए बहुत ठंडा कर रहा है स्विंग को ऊपर करो चलो ऊपर जा ये। मेरे पैर पे ठंडी नहीं देना पैर पे ठंडी दिया तो बहुत ठंडा लगता है ये नहीं करना बेटा जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर वन कराया था वो केवल कॉन्सेप्ट ये चीज समझाने के लिए था कि जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करना है ठीक है जब आप डिबेंचर खरीदते हो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करना है बस वो उस चीज का कॉन्सेप्ट था फिर अभी कॉन्सेप्ट नंबर टू में अब मैं प्राइस की सारी आपको चीजें बता रहा हूं कि जब डिबेंचर खरीदते हो तो आपको कैसा प्राइस कोट किया जा सकता है वो चीज अभी आपको कॉन्सेप्ट नंबर टू में पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन दिखा दो अरे यार Vai fast, fast, caramba, ei! Oh yeah. हाहा सर इंटरेस्ट फाइव मंथ्स का लगेगा अरे 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 सितंबर के बाद बेटा काउंट करो अक्टूबर नवंबर दिसंबर अबे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फ़रवरी मार्च ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव कंपनी जब इंटरेस्ट देगी कंपनी तो छह महीने का देगी ना कंपनी तो छह महीने का देगी ना इंटरेस्ट चलो अब यहां से आगे बढ़ते है. हो गया सबके बहुत नाटक हो गए धीरे धीरे लिख रहे सब हाँ मेरे को मिलके बना रहे सब यहाँ पे बोले हाँ अपन ना एक एक करके यहाँ पे तुम्हारा कोई ग्रुप व्रुप होगा उसमें बोल रहे होंगे पहले ना एक एक करके सबने साथ में नहीं बोलने का सर ये दिखाओ पहले एक बोलेगा सर पहले ऊपर का पोर्शन फिर नीचे का पोर्शन फिर सर सॉल्यूशन में तीन चार बार घुमाने का फिर सर को बोलने का आप क्वेश्चन ही दिखा दो तो सर एकदम यहाँ घायल बोले अभी तक तो आंसर दिखाने बोल रहे थे क्वेश्चन पे रिवर्स पूरा रिवर्स बोले उसके बाद एक ने एक डाउट पूछने का सर वो समझाने में आए तो दूसरे ने दो कॉन्सेप्ट पूरा न डाउट बोले अपन सर को धीरे धीरे लेके जाएंगे बोले पूरा घायल करके रहेंगे इसको घायल <laughs> कर देंगे बोले इसको पूरा चलो अब नेक्स्ट उस पर आते अभी मैंने आपको क्या चीज बताया अभी मैंने आपको ये चीज कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया परचेज ऑफ डिबेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस ये मैंने कब की बात की परचेज की बात की ठीक है अब मैं आपके साथ बात करता हूं सेल ऑफ डिबेंचर्स एट कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस परचेस की जगह क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा जो रहेगा मेरा पॉइंट नंबर फोर ठीक है ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो यहां पे आप लिखेंगे पॉइंट नंबर फोर सेल ऑफ डिबेंचर्स एट कम इंटरेस्ट प्राइस अरे कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस चलो सर अब इसमें सर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट तो हमको समझ गया ठीक है सिद्धाम क्या करते हैं सिद्धाम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं सर अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड के क्यों लिया थर्टी थाउजेंड पे तो लगा दिया था ना इंटरेस्ट पहले तो बेटा दीपिका जी ऐसे ब्लॉक हो जाऊंगे ठीक है जिस चैनल पे दीपिका राठी मैम पढ़ाती पढ़ाते है, उस चैनल पे कोई और दीपिका ब्लॉक हो अच्छा नहीं लगेगा ना तो बेटा स्पैम मत करो सर अमाउंट पचास हजार के क्यों लिया तीस हजार पे तो लगा दिया था ना इंटरेस्ट अमाउंट पचास हजार के क्यों लिया तीस हजार पे तो कहना क्या चाहती है मोहतरमा आप क्या कहना चाहती हो मेरे को समझ ही नहीं रहा पचास हजार पे क्यों लिया तीस हजार पे तो लगा दिया था ना इंटरेस्ट नहीं समझा बेटा आपका डाउट थोड़ा और एलेबोरेट करके उसको लिखो कौन सी तारीख पे क्या हुआ क्यों हुआ क्या को हुआ ऐसे उसको महसूस करते हुए लिखो तो शायद मुझे समझ जाएगा ठीक है अभी आपका समझ नहीं रहा है मेरे को डाउट चलो अब यहां पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है और अभी ये डाउट कब लिखोगे पांच मिनट रुक के एग्जाम्पल के बाद इसके बीच में अगर आपने डाउट लिख दिए तो क्या हो जाएगा फुर्र से उड़ जाएगा वो फुर्र से ठीक है फिर आप स्पैम करोगी स्पैम करोगे तो फिर जिस चैनल पे दीपिका राठी मैम पढ़ा रही है उस चैनल पे किसी दीपिका को ब्लॉक करना अच्छा नहीं लगेगा बट करना पड़ेगा वैसे चलो कोई नहीं दीपिका मैम कितने बजे आएगी पढ़ाने साढ़े ग्यारह बजे आएंगी इंद्रेश सर भी आएंगे साढ़े ग्यारह बजे ठीक है तैयार हो जाना ये एग्जाम्पल के बाद फिर आपको ब्रेक मिलेंगी एग्जाम्पल के बाद फिर ब्रेक अब देखो यहां पे एग्जाम्पल में क्या है एग्जाम्पल में यहाँ पे बोलते हैं कि मुनमुन सर क्या मुनमुन अरे नाम है मुन मुन मून मून लिमिटेड होल्ड्स वन लाख डिवेंचर्स <coughs> होल्ड्स वन लाख डिवेंचर्स ऑफ किरकिरी लिमिटेड ठीक है तो इनके पास ऑलरेडी है एक लाख डिवेंचर होल्ड करके राइट right? अभी खरीदा नहीं है फिर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर इस साल क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए सबसे पहले वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी सोल्ड फिफ्टी थाउजेंड डिवेंचर्स सोल्ड फिफ्टी थाउजेंड डिवेंचर्स एट रुपीज हंड्रेड एंड सिक्स इसको हम लिखेंगे कम इंटरेस्ट फिर आएगा फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वन सोल्ड Twenty thousand debentures at rupees hundred and eight X interest. Hai. Interest is paid by Kir Kiri Limited. Interest is paid by Kirkiri Limited on thirtieth September and thirty first March every year. Interest rate equals to eight percent pa per annum pass necessary journal entries. नि सरी बहुत बहतु सम हा, 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 हा सॉल्यूशन चलो क्वेश्चन लिख लो पटाक से जल्दी लिखने का दीन धा। Done, चलो अब यहां पे ये लोग क्या बोलते हैं मित्र मंडली मुंबई आपसे दूर भाग रहा है, भाग नहीं रहा मैंने उसको भगा दिया मुंबई आया था मेरे पास आप हमारे आइडल बन जाओ मैंने बोला सबसे पहले मैं कंटेस्टेंट बनूंगा तुम्हारे शो में बोले नहीं सर आप जज मैंने बोला तुम्हारे शो में जज बोले नहीं सर वो जजों को जज करने वाला अल्टीमेट जज मैंने बोला वो भी नहीं बनना तुम जाओ मैंने भगा दिया उनको सर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे टाइम बनाएंगे तो चलो टाइम बनाते हैं वन फोर ट्वेंटी थर्टी वन थ्री ट्वेंटी वन यस ओके okay. अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग से कितने थे हमारे पास स्टार्टिंग से एक लाख डिबेंचर थे ठीक है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था एक लाख डिबेंचर का था वन लाख डी लिख दिया मतलब डिबेंचर ओके okay. उसके बाद अब क्या किया वन सेवन ट्वेंटी को वन सेवन को सोल्ड सोल्ड कितना फिफ्टी डिबेंचर्स फिफ्टी डिबेंचर्स एट कितने में बेचा सर एक सौ छः और ये एक सौ छः क्या था सर ये था आपका कम इंटरेस्ट और सर इसके साथ हमने क्या किया ये बेचा उसके साथ इंटरेस्ट भी हमने रिसीव किया है इंटरेस्ट आर ई सी डी इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे रिसीव हुआ है ठीक है तो हमने क्या किया सेल किया कितने डिबेंचर सेल किया फिफ्टी सर आपने बताया था जब भी डिबेंचर बेचो तो इंटरेस्ट तो आप रिसीव करोगे रे बाबा ठीक है नेक्स्ट चीज इसके बाद क्या दी है इसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वन को वापस थार्स uh, हमने यहां पे बेचा है ट्वेंटी थाउजेंड कितने में बेचा एट 108 तो ये वन इंटरेस्ट पे मैंने यहाँ पे बेचा है और सर बेचा तो इंटरेस्ट तो लेके रहेंगे इसमें सर सवाल ही नहीं उठता यस फिर उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो किरकिरी लिमिटेड है साल में दो बार 30 सितंबर और 31 मार्च को एक बार यहां पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करता है एक बार यहां पे इंटरेस्ट पे करता है और एक बार यहां पे तो मेरे को इस कंपनी से दो बार इंटरेस्ट मिलने वाला है बिल्कुल सही बात और उसके बाद क्या इंटरेस्ट रेट तो एट परसेंट दिया चलो सर बहुत अच्छा लगा ये सब जान के बहुत अच्छा लगा जान के टाइम बनाएंगे सभी लोग पाटाक से सर कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट से ज़्यादा अरे वंदना माहूर जी वंदना जी दो अलग अलग डेट है दो अलग अलग डेट पे डिबेंचर की प्राइस चेंज हो सके <laughs> बेटा मैंने आपको क्या बोला था छः महीने पहले की मेरी क्लास की प्राइस कितनी थी लास्ट बैच में साढ़े सात हज़ार इस बैच में कितनी है साढ़े आठ हजार अब वो साढ़े सात हजार एक्सक्लूसिव बुक्स था अब ये साढ़े आठ हजार इंक्लूसिव बुक्स या फिर मैं बोलूँ साढ़े सात हजार पिछले बार इंक्लूसिव बुक्स था या साढ़े आठ हजार पर वो कंपेरेबली नहीं है ना दो अलग अलग डेट है वो प्राइस मार्केट प्राइस चेंज हो सकती ना अब वो डिवेंचर की एकदम से प्राइस शूट अप हो गई तो क्या यहां पे इंटरेस्ट होने के बावजूद उनकी मार्केट प्राइस बढ़ नहीं सकती क्या अरे देवी जी देवी जी थोड़ा मार्केट का आप यहाँ लॉजिक लगाओ ना मार्केट में अगर कोई डिबेंचर ट्रेड होता है तो डिबेंचर की प्राइस बढ़ भी सकती है घट भी सकती है यहां पे समझो 106 कम इंटरेस्ट थी जिसमें से मैं बोल दू इंटरेस्ट से सेगजाम्पल टू रूपीज था तो इसका डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कितना था मार्केट वैल्यू एक, वैल्यू एक तो यहां से मार्केट वैल्यू यहां पे एक नहीं जा सकती क्या अरे कैसी बात कर रहे हो एक बार सोच तो लो क्या बोल रहे हो एक बार सोच तो लो चलो अब यहां पे हम लोग आएंगे सबसे पहले हमने क्या किया है सर यहां पे डिबेंचर बेचा है ठीक है हमने यहां पे क्या किया है डिबेंचर बेचा है डिबेंचर बेचा है तो क्या चीज होगा ट्वेंटी को जब मैंने डिबेंचर बेचा तो क्या चीज हो जाएगा सर मेरे पास पैसे आएंगे ठीक है पैसे आएंगे राइट right? तो पैसे आएंगे तो बैंक में डेबिट होगा बैंक में डेबिट हो जाएगा सर और मेरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ किरकि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ किरकिरी लिमिटेड यहां पर ना एक मैं नोट लिख रहा हूं पहले इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट लॉस ऑन सेल इज इग्नोर्ड इन दिस एग्जाम्पल इज इग्नोर्ड ये मत पूछना सर बेचने में प्रॉफिट लॉस की क्या ट्रीटमेंट क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए मेरे को परचेज प्राइस चाहिए परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस आता है मेरे को यहाँ पे परचेज प्राइस हमने लिया ही नहीं है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल इज इग्नोर्ड इन दिस एग्जाम्पल एज डिटेल्स ऑफ परचेज प्राइस आर नॉट गिवन एज डिटेल्स ऑफ परचेज प्राइस इज नॉट मैंशनड In the ocean. चलो तो अब मैंने इसको बेचा तो बैंक में डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट में क्या होगा इन्वेस्टमेंट में यहां पे हो जाएगा क्रेडिट ठीक है Yes. अब सर यहां पे कितना अमाउंट क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट में और बैंक में कितना डेबिट होगा ये सर अब मेरे को निकालना पड़ेगा क्यों इन्होंने बोला 106 में बेचा बट ये कम इंटरेस्ट था मतलब इसमें डिबेंचर का कॉस्ट भी था और इसमें इंटरेस्ट दोनों चीजें थी तो सर आपको यहां पे ये भी निकालना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना था यस अब सर जब आपने बेचा तो आप क्या चीज करोगे इंटरेस्ट भी तो रिसीव करोगे तो इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो उसकी भी एंट्री तो लिख दो अमाउंट हम बाद में देख लेंगे एंट्री तो लिख ही सकते ना एंट्री ने क्या बिगाड़ा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये क्या है मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरी यहां पे क्या होगी इनकम होगी मैं जब यहां पे बेचता हूं तो बेचने के टाइम पे मैं क्या करूंगा यहां पे सामने वाले से इंटरेस्ट रिकवर करूंगा सर इंटरेस्ट कितना रिकवर करोगे तो देखो मैंने कितने डिबेंचर्स बेचे पचास हजार डिबेंचर बेचे उसकी फेस वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे सौ उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लेके चलेंगे एट परसेंट दिया है और कितने महीने का इंटरेस्ट मैं यहां पे लूंगा सर पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके आज तक का ये कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट देती थी तीस सितंबर इकतीस मार्च आज का डेट कौन सा है एक जुलाई तो इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा सर यहां पे इकतीस मार्च को मतलब एक अप्रैल ही ले लू यस yes, सर तो मैंने अभी इंटरेस्ट एक अप्रैल से लेके एक जुलाई अप्रैल मई जून तीन महीने का यहां पे मैंने इंटरेस्ट लेना है इंटू थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो कितना तो यह हो जाता है सर एक लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं यहां पे लूंगा कितने का इंटरेस्ट एक लाख रुपए का ठीक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये तो एंट्री का अमाउंट आ गया एक लाख रुपए बिल्कुल सही बात अब सर मेरे को यहां पे निकालना है कि ये जो डिबेंचर्स था डिबेंचर्स के लिए कितना पैसा आया उसके लिए हम क्या करते हैं सर एक वर्किंग नोट यहां पे बनाते हैं यह आएगा मेरा वर्किंग नोट वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ जो लोग ने निकाल लिया बहुत अच्छी बात बाकी लोग मेरे साथ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस हमको कम इंटरेस्ट दिया है हमको उससे एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ डिबेंचर ठीक है अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ डिबेंचर जब मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो क्या चीज होगा कहां से स्टार्ट करेंगे सर पॉइंट नंबर वन हम यहां पे लेंगे हमें कम इंटरेस्ट दिया है तो कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ डिंचर्स कितना दिया है सर कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस हमें यहां पे बता दो वट इज द कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस प्राइस मेरा यहां पर थाउजेंड into वन जीरो सिक्स है तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी थ्री लैक्स यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा फिफ्टी थ्री लैक्स Yes सर जिसमें से मैं अब क्या करूंगा इंटरेस्ट जो है वो लेस करूंगा इंटरेस्ट इसमें से डिडक्ट होगा लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसमें से कितना डिडक्ट होगा सर एक लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही बात तो एक लाख का अगर मैंने इंटरेस्ट डिडक्ट किया तो अब यहां पे क्या होगी पॉइंट नंबर थ्री मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ डिबेंचर्स फिफ्टी टू लैक रुपीज ठीक है तो ये मेरा इफेक्ट यहां पे आ जाएगा काफी बच्चों ने मेरा ये वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट किया उसके ही आंसर दे दिए थे वेरी गुड आपका कॉन्सेप्ट कमांड अच्छा आ रहा है कीप इट अपिफ्टी टू लैख हो गया ठीक है Yes। अब मैं आपको यहां पे पूछता हूं एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर यूनिट अगर मैं आपको पूछूं तो कैसे निकालूंगे सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर यूनिट कैसे आएगा सर अभी हमको क्या पता है फिफ्टी टू लैक्स इज द टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर यूनिट मतलब पर डिबेंचर तो ये आएगा फिफ्टी टू लैक्स डिवाइडेड बाय हाउ मच डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा फिफ्टी थाउजेंड डिवेंचर एक वेरी गुड ठीक है 104 वेरी गुड तो यहां पे क्या था सर ये 106 में डिबेंचर्स का एक सौ रुपए था और ये कितना था इंटरेस्ट का दो रुपए था इसमें समझ गया ये सबको समझ गया ये सबको यस 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 ओके चलिए अब यहां से आगे बढ़ जाए सर मैंने फर्स्ट ऑफ जुलाई की मेरी सारी की सारी एंट्रीज कर दी यस सर आपने फर्स्ट ऑफ जुलाई की सारी एंट्री कर दी एकदम जोरदार सर मजा आ गया फर्स्ट ऑफ जुलाई के बाद अगली डेट पे और तीस सितंबर 30 सितंबर को मुझे कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा अब यहां पे ध्यान देना कंपनी यहां पे क्या करेगा सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट देगा किसको जो भी डिबेंचर होल्डर है उसको यस yes. मेरे पास अभी कितने डिबेंचर है सर स्टार्टिंग में एक लाख थे ये एक लाख में से आपने पचास हजार बेच दिए तो अब कितने बचे आप यहां पे यहाँ पेफ्टी थाउजेंडेंचर होल्ड करते हो आप यहां पे केवल यहाँ होल्ड करते हो एक लाख में से आपने पचास बेच दिए तो आपके पास अब यहां पे जो बैलेंस बचे वो केवल फिफ्टी थाउजेंड है तो फिफ्टी थाउजेंड डिबेंचर पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा तो अब मैं तीस सप्टेंबर को एंट्री करूंगा तीस सप्टेंबर की एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट मेरी यहां पे इनकम है वो मैं रिसीव करूंगा बैंक में मैं करूंगा इसको डेबिट और कहां पे क्रेडिट करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये क्या हो जाएगा सर मेरे पास फिफ्टी थाउजेंड डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू पे आठ परसेंट के हिसाब से कंपनी मेरे को कितने महीने का इंटरेस्ट देगा कंपनी मेरे को छह महीने का इंटरेस्ट देगा छह महीने का इंटरेस्ट मतलब फिफ्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू एट परसेंट डिवाइडेड बाई टू करता हूं तो ये दो लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा मेरे पास कंपनी से कंपनी मेरे को दो लाख रुपए का इंटरेस्ट देगा और सौर दो लाख का इंटरेस्ट मिला आपको हाँ बच्चों दो लाख का इंटरेस्ट मिला सर हमको तो ऐसा लग रहा है आपका नुकसान हो गया यहाँ पे क्योंकि सर देखो अभी कुछ समय पहले तक आपके पास ये पचास हजार भी थे टोटल आपके पास एक लाख डिबेंचर थे बट कंपनी अब जब इंटरेस्ट आपको दे रहा केवल पचास का दे रहा आपको एक लाख का मिलना चाहिए था ना सर अरे बेटा कोई नुकसान नहीं है कोई भी नुकसान नहीं हुआ देखो मैंने जो पचास पहले यहाँ पे बेच दिए वो यहां से लेके यहां तक में होल्ड करता था तो इतने महीने का इंटरेस्ट तो मैंने इस पर रिकवर कर लिया ना इससे ज्यादा तो इंटरेस्ट बनता भी नहीं था तो ये पचास हजार पे तो इंटरेस्ट मिल गया कितना थ्री मंथ होल्ड किया थ्री मंथ का बाकी पचास हजार मैंने पूरे सिक्स मंथस होल्ड किया तो उसका इंटरेस्ट अब मिल गया मेरे को तो मेरे पास एक लाख डिवेंचर जो थे उसमें से पचास हजार तीन महीने के लिए थे उस पर तीन महीने का इंटरेस्ट मिल गया और ये छह महीने के लिए थे इस पर छह महीने का इंटरेस्ट मिल गया कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कोई पे दिक्कत की बात ही नहीं है सभी को क्लियर यहां तक ठीक है सेल के टाइम मिल गया इंटरेस्ट वेरी गुड हरलीन वेरी गुड वेरी गुड चलो तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं एंट्री, एंट्री हो गई सर यहां से आगे बढ़ जाओ अब सर नेक्स्ट एंट्री मेरी कब आएगी सर हमने फर्स्ट जनवरी को वापस बेचा है कितना बीस हजार डिबेंचर कितने में एक में एक सो आठ क्या है एक सौ आठ मेरा क्या है एक सौ आठ मेरा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट है तो सर हमने कितना बेचा बीस हजार डिबेंचर बेचा है कितने में बेचा है एक सौ आठ में बेचा है और ये एक्स इंटरेस्ट है सर साथ ही साथ बेचने के साथ हम इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे सर इसकी एंट्री अगर हमने करना है तो क्या एंट्री होगी तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट ऑफ जनवरी टू ओके फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी को आओ मैंने बीस हजार डिबेंचर बेचे तो मेरे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ कौन सी कंपनी थी किरकिरी अब सर यहाँ पे जो अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट है एक्स इंटरेस्ट तो मेरे को क्या यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट की जगह और कुछ निकालने की जरूरत है क्या नहीं सर नहीं एक्स इंटरेस्ट अमाउंट पर ही तो एंट्री करनी है 108 की तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 20,000 मैंने बेचा यस सर 20,000 आपने बेचा 20,000 थाउजेंड ये कितना हो जाएगा इक्कीस लाख साठ हजार ठीक है ये ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड मेरे को यहां पे मिलेंगे ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड मेरे को यहां पे मिलेंगे ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड ओके सर साथ ही साथ आप क्या करोगे इस पर इंटरेस्ट भी रिसीव करोगे तो ये बैंक में हमारा हो जाएगा डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है और कहां पे क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ठीक है यस 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 टू इंटरेस्ट ऑन क्या चीज हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सर ये ट्वेंटी थाउजेंड डिबेंचर्स पे मेरे को फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है ठीक है फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है कितने परसेंट से आठ परसेंट से कितने महीने के लिए सर पिछली इंटरेस्ट डेट से लेके आज तक का पिछली इंटरेस्ट डेट तीस सितंबर थी वहां से लेके आज तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने का मिलेगा इंटू थ्री बाय ट्वेल्व इंटू थ्री बाय ट्वेल्व कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड एट परसेंट डिवाइडेड बाय फोर ये हो जाएगा चालीस हजार आताम्मा जी आता जी सटकले है टकले टकले आता माजी सा सर वीडियो क्वालिटी वर्स्ट है मेरे माननीय श्री छोले के भटूरे वीडियो क्वालिटी तेरे एंड से अडजस्ट होती है मेरे एंड से नहीं अबे तेरा इंटरनेट क्वालिटी वर्स्ट है इसलिए तेरे को वीडियो क्वालिटी वर्स्ट दिख रहा है मैं अडजस्ट नहीं करता हूँ तू एडजस्ट कर सकता है वो अरे यार जीवन में कुछ भी करो खुद की ऐसी बेइज्जती मत कराते जाओ यार खुद की ऐसी बेइज्जती मत कराते जाओ तो ओके अब देखो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे पूछता हूं कि बेटा यहाँ पे मेरे को बताओ कम इंटरेस्ट प्राइस अगर ये डेट पे इनको देना होता इस तारीख पे अगर इनको एक्स इंटरेस्ट प्राइस की जगह कम इंटरेस्ट प्राइस देना होता तो कम इंटरेस्ट प्राइस क्या हो जाता सर आपने हमको बताया एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो होती है कम इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है सर जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होती है जो है इक्कीस लाख साठ हजार रुपए उसमें क्या करते हैं उसमें सर हम इंटरेस्ट को जोड़ देते जो है चालीस हजार तो यह आ जाएगा बाईस लाख यह आ जाएगा बाईस लाख ,00 कम इंटरेस्ट प्राइस और अगर मैं यहां पे एक यूनिट के हिसाब से पूछू तो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी तो बाईस लाख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड कितना हो जाएगा एक सौ दस यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस आएगा तो अगर इस डेट पे ये कम इंटरेस्ट प्राइस कोट करता ना तो ये 110 कोट करता ठीक है इसने एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट किया इसलिए कितना कोट किया इसने एक्स इंटरेस्ट प्राइस कोट किया इसलिए 108 ठीक है कम इंटरेस्ट प्राइस करता तो कितना करता 110 करता एवरीबडी क्लियर विद दिस एवरीबडी क्लियर विद दिस यस सर अब सर हमारा यहां पे क्या हो गया है हमने फर्स्ट ऑफ जनवरी को बेच भी दिया इंटरेस्ट की भी एंट्री की अब फाइनल इकतीस तीन को इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो इकतीस इकतीस तीन को आ जाओ ठीक है इकतीस तीन दो हजार इक्कीस हमको कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है जो हमारे लिए क्या है इनकम है तो बैंक में हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इनकम इंटरेस्ट ऑन इनकम नहीं रे बाबा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ठीक है सर इस बार मेरे को कंपनी से कितना मिलेगा इंटरेस्ट कितने डिवेंचर्स पे कंपनी बोलेगा मित्र मंडली सुनो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में एक लाख डिवेंचर थे फिर तुमने पचास बेचा फिर तुमने और बीस बेचा सत्तर हजार तो बेच दिया तो अब कितने बचे तुम्हारे पास केवल तीस हजार डिवेंचर है तो मैं तुमको छह महीने का इंटरेस्ट दूंगा कितने डिवेंचर्स पे पे तो ये हो जाएगा तीस हजार इंटू सौ के हिसाब से कितने महीने के लिए छह महीने के लिए जबरदस्त तो, जाएगा, इन्टु इन्टु तो, तो हो जाएगा तीस हजार इंटू सौ इंटू आठ परसेंट डिवाइडेड बाई किएगा एक लाख बीस हजार कंपनी से जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा एक लाख बीस हजार रुपये ओ पैसा मजा आ गया सर मजा आ गया वो मजा आ गया सर मजा आ गया और इसी के साथ हुआ हमारा एग्जांपल खत्म ओके सर चलिए अब क्या करते दस बज के बारह मिनट हुए दस बज के बारह मिनट हुए मैं कितने मिनट की ब्रेक देने का बोला था आपको रोज कितने मिनट की दूंगा दस बोला था कि पंद्रह बोला था कितना बोला था ब्रेक मिलेगा सर आज का थर्ड स्नीज आया आपको सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट नो दिस पंद्रह मिनट की बोला था मैंने ब्रेक चलो बोला था तो पंद्रह मिनट की ब्रेक दे देगा तो दस बज के बारह मिनट हुए अब है हमारा फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक फिफ्टीन मिनट्स ब्रेकअप ठीक है तो रिज्यूम कितने बजे करेंगे रिज्यूम एट दस बज के तेरह प्लस पंद्रह दस बज के अट्ठावी ए एम ओके आ जाओ दस बज के अट्ठाईस को सभी लोग आ जाएंगे रिज्यूम हो जाएगा दस अट्ठाईस को ठीक है ओके स्ट्रीमिंग चालू रहेगी केवल क्या बंद हो रहा है यहां पे वॉइस बंद हो जाएगा स्ट्रीमिंग चालू रहेगी ठीक है सी यू ऑल दस अट्ठाईस को लव यू ऑल बाय ओके चलो ए ये कौन है रे रिज्यूम है एट टुमारो ए एम देता थी कि कोनी दस अट्ठाईस को आ जाना सभी लोग ठीक है सवा ग्यारह तक क्लास पूरी चलेगी ओके चलिए वेलकम बैक एवरीबडी सॉरी मैं लेट हो गया कॉफी बनाने में मेरे को थोड़ा समय ज्यादा लग गया वेरी सॉरी चलो सर एडवांस अकाउंटिंग की टेस्ट कैसे होने वाली है क्लासेस के साथ जैसे ए एस थर्टीन हमारा खत्म होगा ठीक है ए एस थर्टीन खत्म होगा तो फिर उसकी टेस्ट होगी फिर अगर कोई दो तीन छोटे छोटे टॉपिक से उसको कंबाइन करके टेस्ट लेंगे ओके तो वैसे हमारी टेस्ट वेस्ट होगी क्लासेस के साथ ही पूरा होगा मैम को बुला लो सर कॉफी के लिए मैम को कहां से बुला लू घर पे घर पे और कहा बुलाऊ चलो अब यहां से आगे बढ़ते नेक्स्ट चीज करेंगे सर कॉफी मैम ने नहीं बनाई <laughs> कभी मैम बनाती है कभी मैं बनाता हूँ आज मैंने बनाई है क्योंकि आज जो नॉर्मल वाली कॉफ़ी थी वो खत्म हो गई थी तो ये फिर वो क्रश करके बनाने वाला था उसको वो क्या बोलते है? वो ब्रू ब्रू करके तो ब्रू करके बनाना पड़ा आज तो इसलिए फिर थोड़ा समय लग गया उसमें चलो सर आप कहाँ से हो नागपुर सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं होता है कि हम किससे परचेज या सेल कर रहे हैं बेटा अभी तक मैं जितना कराया हूँ उसमें तो मैंने दिया है कि हाँ एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है वो चीज़ तो मैंने दिया है और आगे भी जो कराऊंगा उसमें दिया रहेगा है ना तो सारी चीज़ें हम कर लेंगे टेंशन नहीं है उसमें लगता है मैम ने नौरा का एग्जाम्पल सुन लिया इसलिए नहीं बना <laughs> इसलिए हो सकता है उसने नॉर्मल वाली कॉफ़ी फेंक दी बोले जा आप तू, तू अब तू ब्रू करके बना अपनी सर फेस वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में यस yes. अगर नहीं दिए तो समझो अगर 110 105 वैसा भाव दिया है, तो फेस वैल्यू क्या लेना सौ लेने का ठीक है सर अंबाजरी कब जा रहे हो फिर अंबाजरी मेरे घर के बाजू में बहुत बार गया हूं अंबाजरी तालाब में मैंने स्विमिंग भी किया हूं उस लेक में बहुत स्विमिंग किया उसमें सर आप गुजरात से होना नहीं बेटा महाराष्ट्र नागपुर <coughs> सर मैं भी भुवनेश्वर से हूँ राघव कह रहे अरे क्या बात है मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी भुवनेश्वर आएंगे ससुराल है आना जाना लगा रहेगा तो मिलेंगे ज़रूर जोधपुर आओ जोधपुर भी आएंगे फास्ट ट्रैक कब लेने वाले हो मे ट्वेंटी फोर के लिए बेटा चल ही रहा है फास्ट ट्रैक चल रहा है मे ट्वेंटी फोर का सर मैं भी अहमदाबाद से हूँ अकीश कह रहे क्या बात है कोलापुर में आओ सर घर हमारे खाना खाने के लिए कोलापुर में आऊंगा मिलूंगा पर खाना नहीं खाऊंगा बहुत तीखा खाना रहता है और तुम्हारे कोलापुर का कुछ खाना ही नहीं होता मेरे से वहां पे सर आप मॉड्यूल से भी इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगे सब कराएंगे चलो 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 अब आ जाओ पंजाब भी आएंगे हर जगह आएंगे हर जगह आएंगे कोलकाता भी आएंगे दिल्ली भी आएंगे कोलापुर आएंगे इंदौर आएंगे हर जगह आएंगे उज्जैन भी आएंगे दर्शन भी करेंगे महाकाल के सब सब जगह आएंगे गुजरात जैसा मजा कहीं नहीं आएगा गुजरात बहुत अच्छी जगह है अभी मैं आया था अहमदाबाद मैराथन लेने तो आई अग्री पुणे भी आएंगे हर जगह चलो आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ चलो सभी लोग कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक हमारे पास अब आखिरी कुछ चंद मिनट बाकी है ये क्लास के तो क्लास को फिर बढ़िया तरीके से पढ़ के खत्म करते हैं ठीक है गाजियाबाद भी आएंगे नीचे वहां पे तू ही जा मैं रोज सुबह जाता हूं वहां पे निश्चय हाँ वॉशरूम रोज सुबह जाता हूं ओके okay. <laughs> दिल्ली आओ <और> सर मोमोस खाएंगे <laughs> अबे आ जाओ यार <laughs> आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओके <laughs> okay, चलो अब यहां पे लिखो हेडिंग नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे कॉस्ट हाउ टू कैलकुलेट लिखो सभी लोग सभी लोग सभी लोग चलो अब बातें बंद बातें बंद नांदेड़ नांदेड़ अभी आया था आईजी सर की शादी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी लोग आ जाओ आ जाओ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑन परचेज सर ये क्या बात कह रहे हो अभी तो हमने निकाला ना डिवेंचर को परचेस किया तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं हाँ वो आपने निकाला बट इसको और अब गहराई में पढ़ेंगे सर इसमें और गहराई बची है अरे बेटा अभी तो हमारा कोर्स शुरू हुआ है अभी तो हमारा कोर्स शुरू हुआ है ठीक है चलो आप देखो क्या है सर मैंने सबसे पहले क्या किया डिवेंचर परचेज किया परचेज किया तो अगर समझो मैंने कम इंटरेस्ट परचेज किया ठीक है तो यहां पे कम इंटरेस्ट एक परचेज किया तो यहां पे मैं क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं एक तो कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट परचेज किया वो दूसरी चीज जो हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकरेज वो ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकरेज ठीक है तो ये सभी लोग लिखेंगे वो और तीसरी चीज आती है स्टैंप ड्यूटी ट ड्यूटी ठीक है तो तीन चीज सभी लोग लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऐसा लिख लो <coughs> या कंपोनेंट्स नहीं लिखना चाहिए मैंने ऐसा लिखना चाहिए आ, इसको मैंने क्या लिखना चाहिए कम इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना, करना, करना है ओके तो सर सबसे पहले अगर मैंने डिबेंचर खरीदा है तो डिबेंचर खरीदा है और सपोज मैंने इसको कम इंटरेस्ट खरीदा है मुझे यहाँ पे क्या निकालना है सर मुझे यहाँ पे निकालना है डिबेंचर का कॉस्ट तो अगर मैंने कम इंटरेस्ट खरीदा है तो सर कम इंटरेस्ट में क्या चीज हो जाएगी अगर सर आपने डिबेंचर को खरीदा कम इंटरेस्ट तो कम इंटरेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हो जाएगी दो चीज कम इंटरेस्ट में दो चीजें हो जाएगी मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है एक तो डिबेंचर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और दूसरी चीज इसमें क्या इंक्लूडेड है मुझे बताइए इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है ठीक है तो एक पहली चीज क्या इंक्लूडेड है डिबेंचर का कॉस्ट इंक्लूडेड है और दूसरा क्या इंक्लूडेड है इंटरेस्ट तो सर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट की जब मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट तो सर अगर आपको कम इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है तो उसमें से हम क्या करेंगे इंटरेस्ट को माइनस करेंगे यह तो सर आपने पहले भी करके दिखा दिया इसमें कुछ भी नया नहीं है बिल्कुल अग्रीड यह मैंने आपको पहले भी करके बता दिया है। कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अगर दिया है तो उसमें से मैं क्या करूंगा उसमें से मैं करूंगा पॉइंट नंबर टू लेस लेस क्या चीज करूंगा इंटरेस्ट तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगा सर आपके पास यहां पे आ जाएगा अब एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल सही बात अब जो चीज मेरे पास आएगी उसको मैं बोलूंगा एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ये चीज मेरे पास आ जाएगी यस yes. अब सर देखो इसके बाद अब क्या चीज है इसके बाद फिर यहां पे आता है अगला चीज ब्रोकरेज अब सर देखो ब्रोकरेज क्या है तो मैं जब ब्रोकरेज की बात करता हूं ना बच्चों सभी लोग ध्यान देना यहां पे क्या है ये है एक चिंटू और ये है मिंटू चिंटू और मिंटू के बीच में एक जमीन का सौदा हो रहा है अभी डिवेंचर को दो मिनट बाजू में रखना ब्रोकरेज समझने के लिए हम जमीन की बात करते हैं ये क्या है लैंड एल जमीन लैंड का सौदा हो रहा है और ये कौन करवा के दे रहा है ये करवा के दे रहा है यहां पे ये है आदि मानव ए एम आदि मानव ये कौन है आदि मानव ये है ब्रोकर कौन है ब्रोकर ये ब्रोकर ने क्या किया चिंटू और मिंटू को मिलवा के दिया ठीक है तो इसने चिंटू और मिंटू दोनों को मिलवा दिया किसने ब्रोकर ने ब्रोकर ने बोला देखो चिंटू को ये ये लैंड 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 बेचना है 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 किसकी चिंटू चिंटू की चिंटु की चिंटु की बुक्स में पता कितने दिख रही वन करोर अब चिंटू को ये लैंड बेचना है चिंटू गया आदि मानव के पास जो है ब्रोकर उसको बोला भाई मेरे को यह अपना लैंड बेचना है तो उसने मिंटू को मिलवा दिया क्योंकि मिंटू को एक लैंड खरीदनी थी यस अब इन दोनों के बीच में जो लैंड का ट्रांजैक्शन हुआ ना ये जो ट्रांजैक्शन हुआ लैंड का एक ने बेचा एक ने खरीदा ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू पता है कितनी निकल की आई ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकल की आई 2.5 पॉइंट इसने ये ढाई करोड़ में लैंड बिकवा दी किसने ये ब्रोकर ने तो इसने बेचा और इसने खरीदा बिल्कुल सही बात कितने में ढाई करोड़ में अब देखो यहां पर बात क्या है ये जो ढाई करोड़ रुपए है इस पे ये क्या चार्ज करेगा ब्रोकर अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा सर बिल्कुल सही बात ये ढाई करोड़ रुपए पे ब्रोकर क्या करेगा अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा ब्रोकर बोलेगा देखो मैंने तुम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कितना करवा के दिया ढाई करोड़ रुपए का तो मैं ढाई करोड़ पे तुमसे ब्रोकरेज चार्ज करूंगा हां मुझे बताओ यहां पर क्या चिंटू ऐसा बोल सकता कि भैया ये लैंड मेरे बुक्स में एक करोड़ की थी तो तू मेरे से एक करोड़ पे ब्रोकरेज चार्ज कर क्या चिंटू ऐसा बोल सकता मेरे बुक्स में एक करोड़ की लैंड थी तू एक करोड़ पे ब्रोकर ब्रोकर बोलेगा मेरे को क्या मतलब तेरे बुक्स में कितने की थी मेरे को इससे कोई मतलब है क्या नहीं 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 मेरे को कैसे मतलब है कि ये मैंने कितने का ट्रांजैक्शन करवा के दिया मैंने अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन करवा के दिया है ढाई करोड़ का तो मैं ढाई करोड़ पे तुझसे ब्रोकरेज चार्ज करूंगा मैं क्या चीज करूंगा आई विल चार्ज ब्रोकरेज ऑन ढाई खोखा कितने पे ढाई खोके पे ब्रोकरेज चार्ज करेंगे अच्छा अब देखो ब्रोकरेज का यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा यहां परचेजर कौन है मिंटू इज द परचेजर और यहां पे सेलर कौन है चिंटू इज द सेलर यस सर एक हो गया परचेजर एक हो गया सेलर जो परचेजर है ये क्या है ये इसको ब्रोकरेज पे करेगा यस yes, सर ये भी ब्रोकरेज पे करेगा और ये जो सेलर है सेलर भी ब्रोकरेज पे करेगा दोनों ब्रोकरेज पे करेंगे ब्रोकर दोनों के पास जाएगा बोलेगा तेर से भी एक परसेंट लूंगा तेर से भी एक परसेंट लूंगा दोनों से ब्रोकरेज लूंगा क्योंकि दोनों के लिए मैंने ट्रांजैक्शन करवा के दिया है तो मैं दोनों से यहां पे लूंगा अब देखो इसमें क्या चीज है अब देखो इसमें क्या चीज है यहां पर चीज यह है मैं यहां परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलू परचेजर क्या कर रहा था सर परचेजर ना इसको कॉस्ट पे कर रहा था यहां पे पे कर रहा था कितना ये जो सेलर था उसको वो ढाई करोड़ पे कर रहा था और सर इसको जब वो 2.5 पॉइंट पे कर रहा था उसके साथ साथ अब वो यहां पे ब्रोकर जो है उसको ब्रोकरेज भी पे कर रहा है ठीक है जो ब्रोकर है उसको ब्रोकरेज भी पे कर रहा है तो अब ये ढाई करोड़ में उसको ब्रोकरेज को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा सर क्यों ऐड करना पड़ेगा वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं ये जो सेलर है मिंटू ये मिंटू ने क्या किया यहां पे सॉरी ये जो परचेजर है मिंटू मिंटू ने क्या किया यहां पे चिंटू को ढाई करोड़ पे किया टू पॉइंट फाइव करोड़ पे मिंटू ने चिंटू को ढाई करोड़ पे किया और साथ ही साथ वो यहां पे ब्रोकर को भी पे कर रहा है तो मैं अगर यहां पे आपको बोलता हूं कि मिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट तो आप बोलोगे सर जो वो यहां पे पे कर रहा है वो और जो वो यहां पे पे कर रहा है वो दोनों को ऐड कर दो दोनों को क्या कर दो एड कर दो, दोनों को एड कर दो पहला जो उसने यहां पे पे किया वो ये भी उसकी कॉस्ट है और उसने यहां पे भी पे किया तो दोनों कॉस्ट है ना उसकी तो अगर मैं आपको पूछता हूं इसके लिए लैंड की परचेजर के लिए लैंड की कॉस्ट कितनी हो गई तो आप क्या जवाब दोगे इसके लिए जो लैंड की कॉस्ट निकली एक तो इसने जो चिंटू को जो अमाउंट पे किया वो आएगा चिंटू को 2.5 करोड़ पे किया और फिर जो इसने ब्रोकरेज पे किया ये भी इसमें आ जाएगा 1 परसेंट ब्रोकरेज पे किया वो भी इसमें आ जाएगा ये चीज सभी को क्लियर हाँ तो सर आप यहां पे कहना क्या चाहते हो आप यहां पे कहना चाहते हो कि ऐसे ही अगर समझो यहां पे लैंड की जगह डिबेंचर की बात होती और डिबेंचर की बात होती और डिबेंचर का भी सौदा एक ब्रोकर ने करवाया होता मतलब मिंटू ने यहां पे परचेज किया होता डिबेंचर और चिंटू ने यहां पे सेल किया होता डिबेंचर और ये सौदा एक ब्रोकर के थ्रू होता ये डील एक ब्रोकर के थ्रू होती तो क्या चीज हो जाता यहां पे मुझे बताओ डील अगर ये ब्रोकर के थ्रू होती तो मिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिबेंचर परचेज करने का कॉस्ट क्या आता तो वो जो यहां पे इसको पे करता ये इसकी कॉस्ट होती प्लस वो जो ब्रोकर को पे करता वो कॉस्ट होती है क्योंकि पे कर रहा है दोनों जगह तो वो दोनों पेमेंट को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे वो दोनों पेमेंट को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो यहां पे दोनों चीज क्या हो जाएगी ऐड एक तो इसने चिंटू को जो दिया डिबेंचर के लिए वो और ब्रोकरेज भी उसमें एड हो जाएगा तो यहां पे जब मैं डिबेंचर की कॉस्ट की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है ब्रोकरेज हमारा एड हो जाता है ब्रोकरेज हमारा यहां पे क्या हो जाएगा एड हो जाएगा ये चीज क्लियर सर ब्रोकरेज कैसे निकालते इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हुई वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का परसेंटेज रहेगा ये। बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात अब यहां पे क्या हुआ अगर ये डिबेंचर का पूरा सौदा हुआ ठीक है यहां पे कौन था ये था ब्रोकर यहां पे कौन था यहां पे था सेलर ये चिंटू मतलब सेलर और यहां पे कौन था सर यहां पे था परचेजर तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ सर डिबेंचर का सौदा हुआ ठीक है किस चीज का डिबेंचर यस जिसमें क्या था सर इसने डिबेंचर परचेज किया परचेज किया तो एक तो इसने यहां पे भी पे किया यस तो ये भी कॉस्ट हो गई और यहां पे जो ब्रोकरेज पे किया ये भी कॉस्ट हो गई दोनों चीज पे किया पे किया तो दोनों को एड कर देंगे बिल्कुल सही बात फिर अब डिबेंचर इसके पास आ गया अब डिबेंचर इसकी प्रॉपर्टी बन गई यस इस पे गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगी अरे रुक रुक रुक, रुक भैया रुक 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 अभी ये डिबेंचर तू ऐसे कैसे रख लेगा इस पे तूने अब गवर्नमेंट को भी कुछ पे करना है तूने यहां पे मोदी जी को भी कुछ पे करना पड़ेगा ये तूने क्या किया एक किया ना करने पे तूने मोदी जी को क्या पे करना पड़ेगा तूने मोदी जी को स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो सर अब देखो ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसने पहले सेलर को पे किया क्या कम इंटरेस्ट अमाउंट जिसमें से इंटरेस्ट हटाया तो एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आ गया ठीक है तो यहां पे पे ब्रोकरेज ब्रोकर, ब्रोकर को ब्रोकरेज पे किया तो वो हमने ऐड कर दिया अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करेंगे स्टैंप ड्यूटी वगैरह वो भी यहां पे क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो ये जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह है जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी कॉस्ट में एड हो जाता है सर मैं किस बेसिस पे सारी चीजें एड कर रहा हूं क्योंकि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिबेंचर पाने के लिए सबसे पहले उसने ये पे किया फिर डिबेंचर पाने के लिए उसने ये भी पे किया और डिबेंचर पाने के लिए ये भी पे किया तो देखो वो असेट को अक्वायर करने की सारी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है ये तो असेट अक्वायर करने के लिए पे किया ये वाली कॉस्ट असेट अक्वायर करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड क्योंकि अगर वो ब्रोकर को पे नहीं करता तो ब्रोकर क्या ट्रांजैक्शन करवा के देता नहीं वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो गवर्नमेंट क्या ये डिबेंचर को उसके नाम से रजिस्टर करवाएंगे नहीं तो अट के अक्विजिशन की डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट जो है वो उसमें ऐड होगी तो फिर हमारे पास यहां पे क्या आएगा हमारे पास यहां पे आ जाएगा हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आएगा ये चीज सभी के दिमाग में बात गई एवरीबडी क्लियर विद दिस एवरीबडी क्लियर विद मेरे पास क्या चीज आएगी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स यहां पे आ जाएगी सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है ठीक है तो यहां पे हम जब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालते हैं तो हमने क्या लिखना है नोट यहां पे लिखेंगे ऑल डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट ऑल कॉस्ट ऐसा लिखो ऑल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेटेड टू Acquisition related to acquisition of debentures will be will be added to the cost of debentures. Okay, sir, this. सर ब्रोकरेज सेलर देगा ऐसा किसने बोला कि सेलर देगा परचेजर क्यों नहीं देगा ब्रोकर आज अगर बेटा तू मेरे पास आता है सर मेरे को एक जमीन खरीदनी है मैंने बोला मेरे पास पहचान का है एक व्यक्ति जो बेचने को तैयार है तूने बोला मिलवा दो तो मैंने तेर को उससे मिलवाया और उससे उसको तेर से मिलवाया मैंने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया मैंने दोनों को सर्विस दिए मैंने दोनों को सर्विस दिए मैं दोनों से ब्रोकरेज लूंगा मैं क्यों एक व्यक्ति से क्यों लू मैं दोनों को सर्विस दे रहा हूं ना है कि नहीं दोनों को सर्विस दे रहा हूं एक को ही सर्विस दे रहा हूं क्या यहां पे दोनों को दे रहा हूं दोनों को एक दूसरे से मिलवा रहा हूं दोनों से ब्रोकरेज लेगा मैं ठीक है मैं किससे दोनों से ब्रोकरेज लेगा स्टैंप ड्यूटी क्यों देना है मोदी जी को यह पूछा है इनकम टैक्स क्यों देना है हाँ अभी जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी क्यों देना है ये अरे भैया वो टैक्स है वो लॉ है वो देना पड़ेगा नहीं तो तुम यहाँ पे डिबेंचर तुम्हारे नाम से रजिस्टर नहीं होंगे ब्रोकर पैसा पीट रहा है ब्रोकर पैसा कमा रहा है धन धन पैसा कमा रहा है स्टैंप ड्यूटी बेटा सिंपल तरीके से ये समझो एक तरीके का टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे बोल रहा है कि बेटा डिबेंचर्स तुम अगर अक्वायर कर रहे हो ये असेट तुम्हारे नाम से हो रहा है जैसे तुम जमीन खरीदते हो तो जमीन अगर तुम खरीदते हो तो उसकी तुमको क्या करवानी पड़ती है रजिस्ट्री कि भैया मैंने जमीन खरीदी है ये मेरे नाम से रजिस्टर रजिस्टर करो रेजिस्टर करवाना है तो रजिस्ट्री करवाने के पैसे लगते हैं वैसे ही डिवेंचर अब ये असेट तुम्हारे नाम का हुआ है तो इसकी भी रजिस्ट्री लगेगी स्टैंप ड्यूटी कहते हैं उसको ये इसका पैसा लगेगा तो अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे तो क्या आपके नाम से होगा क्या नहीं तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है उसकी ओके चलो अब यहां पे क्या चीज है अब यहां पे क्या चीज है ये मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कॉस्ट ऑफ परचेज ठीक है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऑन परचेज ये मैंने आपको बताया ठीक है जिसमें ये वाला आप इस चीज को रेफरेंस यूज कर सकते हो अब अगली चीज अगली चीज जो हम यहां पे पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ठीक है या फिर इसका एक एग्जाम्पल कर ले पहले सर एक एग्जाम्पल भी करवा दो ठीक है एग्जाम्पल करते कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है आ जाओ एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल देखो हम लोग ना एक एक करके कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था सबसे पहले आपने बोला था खरीदा तो इंटरेस्ट पे करना है फिर इंटरेस्ट पे करना है उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़े कि अब खरीद रहा हूं तो वो कम इंटरेस्ट बोल सकता है या एक्स इंटरेस्ट बोल सकते हैं वो अब कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट समझ लिए तो अब मैंने आपको बोला कि अब डिवेंचर का पूरा कॉस्ट कैसे निकलता है तो वो जो यहाँ पे अगर मेरे को कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो उसमें से मैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे आता हूं उसमें ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी जितने डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे सब ऐड कर देता हूं तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आता है राइट तो एक एक करके अगर आप देखोगे ना हम सिक्वेंशियली सारे के सारे कॉन्सेप्ट एड करते जा रहे हैं एक के ऊपर दूसरा जोड़ रहे दूसरे के ऊपर तीसरा जोड़ रहे तो यहां पे क्या किसी को कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहे कि यार ये कॉन्सेप्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था वी आर सिंपली एडिंग वन कॉन्सेप्ट ऑन टॉप ऑफ दी अदर लास्ट में आपको पूरा समरी भी मिल जाएगा तो उसका टेंशन लेने का नहीं अब आते अगली चीज पे अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है ठीक है अगली चीज मेरी क्या है अगली चीज यहां पे मैं आपको बोलता हूं एग्जाम्पल परचेस्ड वन फिफ्टी डिबेंचर्स या फिफ्टीन थाउजेंड डिबेंचर्स एट रुपीज हंड्रेड एंड फिफ्टीन कम इंटरेस्ट ऑन कौन सी तारीख थर्टी जून 2020 ट्वेंटी ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड डिवेंचर्स ही नहीं लिखा डिवेंचर्स तो लिखना पड़ेगा ना फिफ्टीन थाउजेंड डिवेंचर्स और कितने परसेंट डिवेंचर्स वो भी लिख देता हूँ अरे सर आप तो ये एडिट कर देते हो हमको दिक्कत जाती है ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स ठीक है तो हमने क्या किया फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट यहाँ पे परचेज डिवेंचर ठीक है थीके? अब इसके बाद देखो मैंने फिफ्टीन रेट वन परसेंट स्पेड एट द रेट वन परसेंट स्पेड तो हमारा ब्रोकरेज कितना है वन परसेंट फिर यहां पर आता है स्टैंप ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी फिफ्टी पैसे फॉर एवरी रुपीज वन थाउजेंड ठीक है फिफ्टी पैसे फॉर एवरी रुपीज वन थाउजेंड ठीक है फिर यहां पे बोलते हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स ठीक है चलो अब यहां पे मेरे को डिवेंचर का कॉस्ट निकालना है तो अब मैं यहां पे आऊंगा सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे को कौन सा प्राइस दिया है कम इंटरेस्ट सर कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी तो इंक्लूडेड है मेरे को क्या इंटरेस्ट इंक्लूसिव कॉस्ट निकालनी है क्या नहीं इंटरेस्ट हटा के तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ तो डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना था फिफ्टीन थाउजेंड इंटू एक सौ पंद्रह कितना होगा ट्वेंटी जिसमें से सर इंटरेस्ट तो हटा दो हमको केवल डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट की यहां पे जरूरत नहीं है इंटरेस्ट हटाएंगे इंटरेस्ट कितना रहेगा फिफ्टीन थाउजेंड फेस वैल्यू अज्यूम करेंगे हंड्रेड इंटरेस्ट इस पर ट्वेल्व परसेंट से रहेगा और कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती है यहां पे एक और चीज लिखना कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन थर्टीएथ सितंबर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर ओके परफेक्ट तो अब क्या चीज है मैंने इसको परचेज किया है तीस जून को तो मैंने इंटरेस्ट कितना दिया होगा अप्रैल मे जून तीन महीने का तो इंटू थ्री बाय ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड इन टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व परसेंट डिवाइडेड बाय फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड का ये चीज हो जाएगा ठीक है तो अब मेरे पास पॉइंट नंबर थ्री आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट था इसमें अब ये लोग क्या बोलते हैं इसमें अब ये लोग यहां पे बोलते हैं सर नेक्स्ट चीज अब मेरा क्या है नेक्स्ट चीज ये लोग यहां पे बोलते हैं कि ब्रोकरेज लगा तो ब्रोकरेज को मैं क्या करूंगा इसमें ऐड करूंगा ऐड ब्रोकरेज एट द रेट वन परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस मेरा ट्रांजेक्शन कितने का हुआ सर आपका ट्रांजेक्शन यहां पर सत्रह लाख पच्चीस का हुआ है ना तो सत्रह लाख पच्चीस का ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका वन परसेंट लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन परसेंट यह आ जाएगा सत्रह हजार दो सौ पचास हो जाएगा सिक्सटीन लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी सिक्सटीन नाइनटी सेवन टू फाइव जीरो ये मेरा आया इसके बाद अब पॉइंट नंबर फाइव सर ऐड करेंगे इसमें स्टैंप ड्यूटी ऐड करेंगे इसमें स्टैंप ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी अब इन्होंने क्या बोला है स्टैंप ड्यूटी के लिए के लिए ये लोग बोलते हैं फिफ्टी पैसे की स्टैंप ड्यूटी लगेगी फॉर एवरी रुपीज वन थाउजेंड हर एक हजार रुपए के लिए कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी पचास पैसे की सर अगर ये लोग बोलते हैं एक हजार रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपको पचास पैसे की स्टैंप ड्यूटी लग रही है मेरा ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है सर मेरा ट्रांजैक्शन यहां पे हुआ है सत्रह लाख पच्चीस हजार रुपए का इस पे मेरे को कितना स्टैंप ड्यूटी लगेगा ये बताओ ठीक है इसपे कितना स्टैंप ड्यूटी लगेगा सत्रह लाख पच्चीस हजार इन टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड तो ये हो जाएगा एट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव की स्टैंप ड्यूटी एट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव रुपीज की स्टैंप ड्यूटी ठीक है 862.5 की स्टैंप ड्यूटी यहां पे क्या है इन्होंने सिंपल भाषा में बोला था हर हजार रुपए के ट्रांजैक्शन पे पचास पैसे की स्टैंप ड्यूटी ठीक है तो हजार रुपए के ट्रांजैक्शन पे पचास पैसे की स्टैंप ड्यूटी तो सत्रह लाख पच्चीस हजार के ट्रांजैक्शन पे कितने की स्टैंप ड्यूटी तो मैंने बोला यह सत्रह लाख पच्चीस हजार इंटू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हजार सत्रह लाख पच्चीस हजार पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड ये हो जाता है एट अब आ जाएगा मेरे पास यहां पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ठीक है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा सिक्सटीन लैख नाइनटी 250 मैं ऐड करूंगा 862.5 तो कितना हो जाएगा 16 लाख 98,000 112.5 लाख 98,000 ठीक है ये चीज हो गया अब इसमें एक डाउट मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा था जो अभी तक किसी ने भी पूछा नहीं है ठीक है बट मैं आपको दो मिनट देता हूं लिखने के लिए फिर देखता हूं किसी को दिमाग में वो डाउट आ रहा है क्या क्या किसी के दिमाग में वो डाउट आ रहा है वो मेरे को देखना है ब्रोकरेज ऑन कम वैल्यू क्योंकि बेटा, इन्होंने बोला है, तो तू उनसे ब्रोकरेज कौन सी वैल्यू पे लेगा तू ने जितने की डील करवाई उतने पे है ना तूने जितने की डील करवाई उतने पे तो यहां पर यह ब्रोकर वन परसेंट का लेगा उसने जितने की डील करवाई है उसने तो 115 के रेट में डील करवाई ना तो वो 115 पे 15000 हजार का ब्रोकरेज लेगा इसलिए ठीक है सर ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी 1680000 लाख अस्सी हजार पे क्यों नहीं है इसमें से सेकंड पार्ट से मैं अग्री करता हूं स्टैंप ड्यूटी 1680000 लाख अस्सी हजार पे क्यों नहीं है क्योंकि सर आपने क्या बोला व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी जैसे हमने ज़मीन ख़रीदा तो ज़मीन की रजिस्ट्री करनी पड़ती है कि भैया मैंने ये ज़मीन खरीद ली है मेरे नाम से इसको रजिस्टर करो रजिस्ट्री करने के पैसे लगते हैं तो ये रजिस्ट्री करने का पैसा जब लगेगा तो ये कौन सी वैल्यू पे लगेगा सर आपने ज़मीन कितने की ली है उस पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा तुमने ज़मीन कितने की ली है यहां पे सर जब मैं स्टैंप ड्यूटी पे कर रहा हूं तो स्टैंप ड्यूटी पे लगना चाहिए स्टैंप ड्यूटी लगना चाहिए तुमने डिबेंचर कितने के लिए तुमने डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट मिला के कितने का लिया उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाएगी क्या ना 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 तुमने डिबेंचर किस वैल्यू के लिए है तो यहां पे आपने एक चीज लिखनी चाहिए कि स्टैंप ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी शुड जनरली बी Should generally be calculated on X interest pricer, X interest pricer. However, comma, look for details. Mentioned in the question Details mentioned in the question Regarding stamp duty Regarding stamp duty And solve accordingly क्वेश्चन में ना आपको डिटेल दी रहेगी क्वेश्चन में बताएंगे स्टैंप ड्यूटी आपने किस पे कैलकुलेट करना है क्या करना है कैसे करना है उसके अनुसारित सॉल्व करना उसके अनुसारित सॉल्व करना ठीक है मुस्कान क्लास नोट्स के लिए आपको सबसे पहले ये लिंक पे जब क्लिक करोगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्टर के बाद लॉग इन करना तो आपका हो जाएगा मैं आपको बता भी देता हूँ क्लास नोट्स के लिए आपको क्या करना है मैं अल्टीमेट सी की वेबसाइट पे जाके आपको बता देता हूँ ये अल्टीमेट सी की वेबसाइट पर मैं गया अल्टीमेट Ultimate... सी की वेबसाइट पे अल्टीमेट अरे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से होम आ जाएगा ना होम कहाँ पे है भाई ये आया मैं होम पे ठीक है अल्टीमेट सी वेबसाइट पे होम पे आया अब आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको दिखेगा होम में ऊपर में वो उस साइड पे फ्री रिसोर्स करके ऑप्शन है तो फ्री रिसोर्स पे जाना फ्री रिसोर्स पे जाके आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपको लॉग करना है ठीक है तो आप जैसी लॉग करोगे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेरा लॉग इन पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार के लिए मैं यहाँ पे केवल इसको हाइड कर रहा हूं ठीक है ये स्क्रीन को मैं हाइड कर रहा हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो मैं केवल डी पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ जस्ट गिव मी गिवी मोमेंट अब खुद को बंद नहीं करना था इसको राइट मैं लॉग इन क्रीडेंशियल यहाँ पे क्या सबको नहीं दिखा सकता ना तो मैं लॉगिन में पहले अपना ईमेल आईडी डाला और जो मेरा पासवर्ड सेट था वो डाल दिया ये फिर मैंने लॉग इन किया तो अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाता है यहाँ पे मेरे को दिखाता है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन ठीक है अब मेरा लॉग इन हो गया यहाँ पे वेबसाइट पे तो अब ये देखो मेरे को ना वहाँ पे राइट में माई प्रोफाइल वगैरह दिखाएगा फिर जाऊंगा फ्री रिसोर्स पे फ्री रिसोर्स पे क्लिक किया तो ये सब आ गए सारे नोट्स आ गए आपके सामने तो एक बार आप लॉग इन कर लेते हो ना लॉग इन करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन फ्री रिसोर्स फ्री रिसोर्स पे जाते हो तो आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ पे दिख जाते हैं राइट right? तो नंबर वन थिंग लॉग इन टू द वेबसाइट अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर लॉग इन लॉग इन के बाद फ्री रिसोर्स आपके सामने ये खुल जाएगा चलो अब ये चीज हुई हमारी आगे बढ़ जाए सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो स्टैंप ड्यूटी के रिगार्डिंग ऐसा नहीं अरे मैं लिखा रहा हूं क्वेश्चन में डिटेल दी होगी तो आप बोल रहे हो नहीं दी होगी तो तो मेरा नोट ही का, नोट ही काट दो खत्म कर दो नोट को मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में डिटेल दी होगी ओके <coughs> okay, चलो स्टैंप ड्यूटी के बारे में मैंने आपको क्या बोला एक बार वापस सुनिए सभी लोग हमने यहां पे स्टैंप ड्यूटी का की सत्रह लाख पच्चीस हजार सत्रह लाख पच्चीस हजार पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट की सत्रह लाख पच्चीस हजार में क्या क्या था सर डिबेंचर का कॉस्ट भी था और क्या था इंटरेस्ट भी था दोनों चीजें थी हाँ सर जब मैं आपको बोलता हूं मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे करना है तो स्टैंप ड्यूटी का महत्व क्या है सर मैं जो परचेस किया हूं मैंने जो डिबेंचर्स परचेस किया हूं वो डिबेंचर्स को मेरे नाम से रजिस्टर करवाना है कि भैया तेजस सूचक के नाम के डिबेंचर हो गए तो ये स्टैंप ड्यूटी मेरे को काय पे लगना चाहिए आपने कितने के डिबेंचर परचेज किए हो उसपे लगना चाहिए कि नहीं यस हाँ सर ये लगना चाहिए कि आपने कितने के डिबेंचर परचेस किए हो यस तो मैंने यहां पे कितने के डिबेंचर परचेज किया हूं? मुझे बताइए मैंने सत्रह लाख पच्चीस के डिबेंचर परचेस किया हूं या सोलह लाख अस्सी के डिबेंचर परचेज किया हूं मैं केवल पूछ रहा हूं डिबेंचर कितने के परचेज किया हो सर ये जो सत्रह लाख पच्चीस था उसमें डिबेंचर का भी अमाउंट था इंटरेस्ट का भी था बट ये जो सोलह लाख अस्सी था उसमें केवल डिबेंचर का अमाउंट था तो मैंने कितने के डिवेंचर परचेज किया सोलह अस्सी तो अब जब मेरे को रजिस्टर करवाना है तो मेरे नाम से कितने के डिवेंचर रजिस्टर करवाना है सोलह अस्सी के तो मेरे को स्टैंप ड्यूटी क्या पे भरना चाहिए सर सोला अस्सी पे भरना चाहिए ठीक है यस 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 ठीक है ओके तो अब मैंने यहां पे क्या लिखा स्टैंप ड्यूटी को हमने जनरली काय पे कैलकुलेट करना चाहिए सोलह अस्सी सोलह अस्सी मेरा क्या है एक्स इंटरेस्ट मैंने इतने के डिबेंचर परचेस किया हूं सर इसमें ब्रोकरेज ऐड करके सिक्सटीन नाइन सेवन पे स्टैंप ड्यूटी अरे आपको क्या रजिस्टर करवाना है खुद के नाम से डिबेंचर आपको क्या ब्रोकरेज भी खुद के नाम से रजिस्टर करवाना है क्या नहीं मेरे को डिबेंचर मेरे नाम से रजिस्टर करवाना है तो ये जो प्राइस है ये मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस इस पे जनरली स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होती है ठीक है यस इस पे मेरी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होगी क्योंकि मैंने डिबेंचर कितने के लिया हूं सोलह अस्सी के लिया हूं सोलह अस्सी के लिया हूं ओके okay? हमने सत, अरे प्रणव मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते कि आप सत्रह पच्चीस पे कर लो बट मैंने आपको उसका लॉजिक दिया कि लॉजिकली हो सकता है कि इस लॉजिकली इस पे करना चाहिए बट क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये भी बोल देते कि सत्रह पच्चीस पे कर लो इसीलिए लास्ट लाइन मैंने ये भी लिखाई कि लुक फॉर डिटेल्स इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या सत्रह पच्चीस पे करने बोला कि सोलह अस्सी पे करने बोला मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि लॉजिकली इसी पे होना चाहिए बट क्वेश्चन में हो सकता है इस पे भी बोला हो या इस पे भी बोला हो तो क्वेश्चन में किस पे कैलकुलेट करने बोला वो देखने का वो देखने का वो देखने का ठीक है चलो अब इसके बाद यहां से आगे बढ़े सर क्वेश्चन में कहां बोला है छोले के भटूरे में अभी क्या करवा रहा हूँ तुमको एग्जाम्पल क्या मैं exam question करवा रहा हूं तुमको? नहीं तो एग्जाम्पल uh, दे रहा हूं तो डिटेल भी तो वहां लिख के दे रहा हूं कि भैया एग्जाम क्वेश्चन में तुमको क्या कैसा दिया रहेगा ये कहां से कैसे फिजूल के डाउट लेके आ रहे हो ये कौन था ये छोले का भटूरा बेटा तू ताली बजा खुद के लिए अक्षत जैन तू ताली बजा खुद के लिए कैसे एक हाथ से और एक गाल पे ताली बजा इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए अनुराग तेरे को जाना है तो तू जा सकता है तेरे को जाना है तो तू जा सकता है छोले के भटूरे यहां पे ये यह लिखवाया क्यों मैंने कुछ तो यार दिमाग लगाओ अपना कैसी बातें कर रहे हो कैसी बातें कर रहे हो यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट किया है बट लॉजिकली इसी पे होना चाहिए बट उसके बाद मैंने ये भी बोला कि क्वेश्चन में आपको अगर इस पे करने बोले तो इस पे करना इस पे करने बोले तो इस पे करना क्वेश्चन में आपको जो डिटेल तो बोलते क्वेश्चन में क्या बोला मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा ही है क्या कहीं एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम क्वेश्चन करवा रहा हूं क्या मैं यहां पे देखो पर मैं अकेला तेरे को आंसर दे रहा हूं तेरे से बात कर रहा हूं नॉन सेंस चलो यहां से अब आगे बढ़ेंगे अब यहां तक सभी को सारी चीजें समझ गई मैं अकेला थोड़ी पूछ रहा हूं पूछा ना तूने पूछा ना तूने ओके चलो तो यहां से आगे बढ़ेंगे सभी लोग अब ध्यान दो सभी लोग यहां पे ध्यान दो ठीक है चलो अब क्या चीज है सर हमने यहां पे क्या चीज किया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया क्या चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिल्कुल सर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट किया उसमें हमने कहाँ से शुरुआत है सर सबसे पहले अगर हमको कम इंटरेस्ट प्राइस दी थी कम इंटरेस्ट प्राइस दी थी तो उसमें से हमने क्या किया इंटरेस्ट को हटाया इंटरेस्ट को हटा के हम कै पे आए एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे आए ठीक है, यस हमने कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट को हटाया और हम पे आए, पे आए. Sir, क्युं हटाया क्योंकि हमने क्या चीज किया दो चीजों को एड किया कौन सी दो चीजों को एड किया पहला था ब्रोकरेज पहली कौन सी चीज थी मेरी ब्रोकरेज ब्रोकरेज ऐड क्यों किया क्योंकि ये डायग्राम में हमने देखा कि सर अगर हम परचेज कर रहे तो हम सेलर को भी पे कर रहे और ब्रोकर को भी पे कर रहे तो सेलर को जो पे कर रहा उसमें ब्रोकर को जो पे कर रहा वो क्या होना चाहिए एड होना चाहिए यस yes. तो जब दो जगह पेमेंट कर रहा हूं दोनों जगह पेमेंट हो रहा है तो उसको सिंपल हम क्या करते हैं एड करते हैं तो हमने ब्रोकरेज को एड किया ब्रोकरेज के लिए हम क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक परसेंटेज ब्रोकर यहां पे हमसे चार्ज करेगा उतना हमारा ब्रोकरेज बन जाएगा ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ब्रोकर क्या बोलेगा मैंने तुम दोनों के बीच में कितने का ट्रांजेक्शन दो परसेंट मेरा ब्रोकरेज ठीक है तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगा उसका परसेंटेज हमारा ब्रोकरेज रहेगा यहां पर भी एक पॉइंट लिखवा रहा हूं यहां पर भी बोल रहा हूं डिटेल्स रिगार्डिंग ब्रोकरेज मे बी गिवन इन द क्वेश्चन लुक फॉर डिटेल इन द क्वेश्चन लुक फॉर डिटेल्स इन द क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दे कि आपको ब्रोकरेज कम इंटरेस्ट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है तो कम इंटरेस्ट वैल्यू पे करना हो सकता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दे कि एक्स इंटरेस्ट वैल्यू पे करना है तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू पे करना लॉजिकली हमने बोल दिया जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पर ब्रोकरेज लगता है उस पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है बट अगर क्वेश्चन में कुछ डिटेल दी तो हमको क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा अब मत पूछना क्वेश्चन में कहा लिखा था मैं बता रहा हूं क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें ठीक है उसकी बात कर रहा हूं अब ये मत पूछना सर मैं अकेला थोड़ी पूछ रहा था ओके फिर ब्रोकरेज के बाद आती है स्टैंप ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी क्या होता है सर अब हमने डिबेंचर खरीद लिए हमको जाके सर रजिस्टर करवाना है कि ये डिबेंचर मेरे नाम से हो गए ठीक है ये क्या है ये डिबेंचर मेरे नाम से है तो उसके लिए मेरे को एक फीस पे करनी पड़ती है ये 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 जो मैं फीस 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 पे पे करता हूं काय कैलकुलेट कैलकुलेट होगा होगा मेरा हो। ये मेरे को कितने के डिवेंचर खुद के नाम से रजिस्टर करवाने तो सर लॉजिकली ये काय पे लगना चाहिए डिबेंचर की एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट पे क्योंकि इतने के डिवेंचर मुझे खुद के नाम से रजिस्टर करना है तो लॉजिकली इस पे लगना चाहिए बट आपको क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि बेटा तुम कम इंटरेस्ट प्राइस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करो या फिर तुम एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करो तो इसके इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग भी भी हमने क्या करना है इसके भी मैं बोलता हूं लुक फॉर डिटेल्स इन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली exactly क्या बोला है कि स्टैंप ड्यूटी काय पे कैलकुलेट करने का यह क्वेश्चन में आपने देखने का लुक फॉर डिटेल्स इन द्वेश्चन ठीक है यस यस लॉजिकली काय पे करेंगे लॉजिकली हमको स्टैंप ड्यूटी काय पे करना है इसका लॉजिक क्या है मुझे कितने के डिबेंचर्स खुद के नाम से रजिस्टर करवाने तो सर डिबेंचर की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी केवल डिबेंचर की कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा बट आई विल लुक फॉर डिटेल्स इन द क्वेश्चन राइट फिर मेरे पास आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और इसके साथ अब हुए हमारे सवा ग्यारह अब हुआ क्लास खत्म कर चाहे छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो अब जाके हुए सवा ग्यारह नाला को छुट्टी चाहिए इनको सीए इंटर में आके हां छुट्टी चाहिए तुमको तीखी नहीं दूंगा सबको तीखी कौन ही दूंगा ओके चलिए 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 चलो 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 तो अब क्या हो गया अब हमारी क्लास यहाँ पे हो गई खत्म ठीक है अब हमारी क्लास यहाँ पे हो गई खत्म आज आप लोग घर पे क्या करेंगे सर, पूरा जो हमने कल और आज पढ़ा था, स्टार्ट किया था पूरा फिक्स्ड इनकम बैरिंग सिक्योरिटी पूरा का पूरा रिवाइज करके आना अब देखो हमने कितने पेज इसके लगभग लिख लिए सर हमने जो लिखा है एक दो तीन चार पांच छे सात आठ आठ पेज मैंने आपको लिखवा दिए अब अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हो तो धीरे धीरे ये चीजें उड़ती जाएगी हमारा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप पुरानी चीजें भूलते जाओगे कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा कंफ्यूजन बढ़ेगा तो मजा नहीं आएगा आपको घर पे एक चीज करनी है रोज 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 रोज, रोज, रोज रिवाइज और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो क्या करेंगे खुद के लिए ताली बजेंगे हमारे क्लास में ताली कैसे बजती है एक हाथ से एक गाल पे तो उससे अच्छा रिवाइज करके आना ठीक है रिवाइज सभी लोग करके आएंगे ठीक है okay. यस 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 बिल्कुल दीक्षा जी बिल्कुल बिल्कुल ओके okay? यस yes. एक हाथ से और एक गाल पे चलिए तो अब हम क्या करते हैं इसी के साथ हमारी आज की क्लास को दी एंड करते हैं ओके गाइस चलो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मिलते हैं सबसे कब कल की क्लास, 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 क्लास रहेगी ये रहे लॉ की क्लास तो साढ़े ग्यारह बजे तक ब्रेक ले लो और फटाफट लॉ की क्लास में जुड़ जाओ ओके दीपिका मैम इंद्रेश सर दोनों लाइव आ रहे तो वहां पे जाओ फटाक से जुड़ जाना ढाई बजे कौन सी क्लास होगी गाबा सर की उसके पहले लंच ब्रेक भी होगा तो लंच ब्रेक के टाइम पे लंच बराबर कर लेना कल मैं गाबा सर की क्लास में देख रहा था सर मैंने लंच नहीं किया मेरा पेट अभी खाली है मेरे को छुट्टी दे दो मेरे को ब्रेक दे दो ये सब नाटक नहीं चाहिए तुरंत के तुरंत लंच ब्रेक होगी तो लंच कर लेने का अभी फ्रेश हो जाओ और जाके फिर साढ़े को जुड़ जाओ ओके चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मिलते हैं सबसे कब कल की क्लास में अंटिल देन दिस इज सी सूचक साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच